चीज ओके आई स्टार्टेड वन। पिन्नी पिन्नियां तो तुम कदों नहीं खाते उल्टी तुहानू हुण एक तो जो व्यक्ति है हमने यहां पर पढ़ा यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्व भूतेषु च आत्मनाम ततो न विजुगुप्सते। विजुगुप्सते का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी से घृणा नहीं करता, यह सोचता है यस्तु सर्वाणि भूतानि जितने भी लोग मेरी दृष्टि में हैं वो कुछ भी योनि में हो, कोई भी शरीर में हो, पुरुष हो, स्त्री हो, पशु हो, लेकिन यस्तु सर्वाणि भूतानि जितने भी जीव आत्माएं हैं ये सब कौन है, इनको ऐसे देखना चाहिए आत्मनि एव अनुपश्यति। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, ये सोच करके अगर हम देख पा रहे हैं, इसीलिए जब हम किसी को दंडवत करते हैं तो हम देखेंगे कि सीनियर डिवोटी भी हमको दंडवत कर देगा। तो एक बार मैंने एक महाराज से पूछा था कि महाराज हमने आपको प्रणाम किया तो आपने हमको क्यों प्रणाम कर दिया, तो महाराज बोले आपने मेरे आश्रम को प्रणाम किया और मैंने परमात्मा को प्रणाम किया, आपने मेरे आश्रम संन्यास आश्रम को प्रणाम किया और मैंने आपके हृदय में बैठे परमात्मा। तो ये जो एक भाव है कि सबके हृदय में भगवान रहते हैं ये बहुत ऊंचा भाव है, ये अगर किसी व्यक्ति में आ जाए तो कहते हैं विजुगुप्सते, वो व्यक्ति किसी से घृणा नहीं करता, ही बिकम एनवियसलेस, उसकी किसी से एनवियसनेस नहीं होती है, एंड ही इज वेरी लविंग, बहुत प्रेमी होता है, सब उससे प्रेम करते हैं। एक बार एक वृंदावन में एक बाबा जी थे और वो बंगाल बंगाल के मतलब नवदीप धाम के थे, तो बताते हैं कि जब वो वृंदावन में रहते थे तो उनको इस बात की अनुभूति हो गई कि सभी जीवात्माओं में सभी सभी शरीरों के अंदर जो ये जीवात्मा है एक्चुअली ये और साथ में परमात्मा भी हमारे शरीर में दो चीजें रहती हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही, लिख रहे कैन नॉट हियर यू, मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? राम से ऊपर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है प्रभु। ओके ओके तो गौतम प्रभु थैंक यू। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि वो व्यक्ति महाभागवत होता है ना, महाभागवत। तो वो उनको जब विश्वास हो गया कि वृंदावन में मैं रहता हूं और सभी व्यक्तियों के अंदर जीवात्माएं जो है ये भगवान का अंश है, तो बड़े प्रेम से सबसे मिला करते थे वो। और कभी कभी भक्तों ने बताया कि वो वृंदावन में घूमने वाले जो पशु होते हैं जैसे सुअर कीचड़ में से निकल कर आया है और उनके सामने आकर के खड़ा हो गया, वो खड़े होंगे और उस सुअर को प्रणाम कर देंगे, तो सोचने वाला सामने वाला बोलेगा अरे पागल हो गए हो क्या, आप प्रणाम क्यों कर रहे हो, ये तो एक तो पशु है वो भी गंदा है, लेकिन वो तो परमात्मा रूप में करते थे। और अगर कोई उनकी उस स्थिति को जानना भी चाहे, उजागर भी करना चाहे, तो वो ऐसा एक शुद्ध भक्त महाभागवत कभी अपनी स्थिति दूसरों को बताना नहीं चाहेगा। कोई ये नहीं कहेगा, डिवोटी जो प्योर डिवोटी होगा वो कभी नहीं कहेगा आई हैव बिकम अ प्योर डिवोटी, यस मीट मी आई एम द मोस्ट प्योरेस्ट वन, ऐसे कोई नहीं कहेगा। तो उनको जब देख लेते थे सुअर को प्रणाम कर रहे हैं तो पूछते थे लोग कि भाई आप क्या कर रहे थे बाबा जी, तो बोलते थे आमी तो पागल, मैं तो पागल हूं, आमी किच्छू जानू ना, मैं तो कुछ भी जान पूछा बस ऐसे ही ये मेरी ओर आ रहा था, मैं तो घबरा करके जमीन पर गिर गया, बस ये नहीं बताते थे कि मैं इनके अंदर परमात्मा की अनुभूति कर रहा हूं। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेना कि सबके अंदर भगवान है और किसी से नफरत ना करना, अगर ये क्लियर हो जाए कि सबके अंदर भगवान है तो नफरत का बीज ही खत्म हो जाएगा संसार में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और इंडियन अमेरिकन इंडियन यूरोपियन, इतने सारे वाद विवाद है, इसका कारण ही है कि हम दूसरों को आत्मा ना देख करके शरीर देखते हैं। गोरा शरीर प्रभुपाद कहते हैं, काला शरीर गोरा शरीर, ये अफ्रीकन है, कोई टेढ़ा है तो उस पर हंस लेंगे, कोई काला है तो उस पर हंस लेंगे, कोई गोरा है तो उसे अपनी गोरेपन का घमंड हो जाएगा, कोई ज्ञानी है तो उसको ज्ञान का घमंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तकलीफें रहती हैं। तो हमको ये समझना चाहिए, यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे और
ऐसा ही ज्ञान गीता के अंदर भी दिया गया है। तो आप बता सकते हैं कौन से श्लोक में गीता के यही अनुभूति का चर्चा भगवान कृष्ण ने करी थी, जिसे ईशो उपनिषद में भी वर्णन किया गया है? तो बता सकते हैं कौन सा श्लोक है? यस, तो गौतम प्रभु ने लिख दिया है 5.18 पांचवें अध्याय का 18 नंबर श्लोक। ठीक है, तो गौतम प्रभु जरा आप इसको पढ़ के भी सुना दीजिए, है ना? तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। आवाज का प्रॉब्लम हो रहा? ओके, अच्छे गौतम प्रभु आप एक बार पढ़ दीजिए जरा 5.18। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अभी कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी श्रूणि च एव स्वपाके चा पंडिता सम दर्शिना विनम्र बढ़िया अनुवाद पढ़ी। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि संभाव से देखते हैं। तो अब ये समझने वाली बात है, संभाव दृष्टि से देखना और सबके साथ समान व्यवहार करना, तो ये दोनों भिन्नता है। ये हमने उपदेशामृत में भी पढ़ा है, ये हमने चैतन्य चरितामृत में भी पढ़ा है, ये हमने श्रीमद् भागवत में भी पढ़ा है और गीता में भी पढ़ा है, और अब हम ईशोपनिषद में भी पढ़ रहे हैं। सेम कंसेप्ट है, सारे ग्रंथों में इक्वल चीज चर्चा करी गई है। एक होता है समदर्शन और एक होता है समवर्तन। तो ये दो चीजें हैं, समदर्शन है कि समवर्तन है। तो समदर्शन तो कर सकते हैं हम, लेकिन समवर्तन हमें नहीं करना है। हमें समझना चाहिए क्या मैं इक्वल व्यवहार कर सकता हूँ सबके साथ में। अगर मैं इक्वल व्यवहार नहीं कर सकता सबके साथ में, तो किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। दिस इज टू बी ट्रेन्ड, ये ट्रेनिंग का पार्ट है कि मुझे एक व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है। तो समदर्शी व्यक्ति होने का मतलब है कि मैं सबको गले लगाता हूँ, लेकिन क्या मैं शेर को गले लगा सकता हूँ? क्या मैं सांप मेरे घर में निकला है तो क्या मैं बोलूंगा आओ आओ मेरे स्नेक, है ना, शेषनाग अवतार मेरे घर में प्रकट हो, आओ थोड़ा बैठो मेरे साथ रजाई में, हम लोग मिलके गजक खाएंगे, रेवड़ी खाएंगे। तो हम जब सांप को देख करके ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, उसका हम दर्शन तो कर रहे हैं, हाँ हाँ ये बलराम जी का अवतार है, लेकिन व्यवहार अलग है। तो उस व्यवहार की चर्चा इसमें आज हम पढ़ेंगे ईशोपनिषद में, कि एक व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो गौतम प्रभु आप पहला पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। और भी डिवोटीज अपना हैंड रेस कर सकते हैं, जिनके पास बुक्स हैं दे वांट टू रीड, तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है, जहाँ तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है। श्री भगवान सब ऊपर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं, फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में श्री भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं, यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। ये ध्यान देने वाली बात है, इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते हैं। तो ये दोनों का शरीर एक सा नहीं है, फिर भी परमात्मा भी होते हैं और आत्मा भी होती है। यस, आगे पढ़िए प्रभु जी। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं।
परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। हाँ, तो यहाँ पर मात्रात्मक का मतलब है, मात्रात्मक मतलब क्वांटिटी में वी आर डिफरेंट। परमात्मा की बहुत बड़ी क्वांटिटी है और हमारी माइन्यूट क्वांटिटी है, लेकिन क्वालिटी में हम दोनों समान है, क्योंकि परमात्मा सभी शरीरों में एक ही है लेकिन आत्मा हर शरीर में अलग अलग। एवरी इंडिविजुअल इज इंडिपेंडेंट, नो सोल्स। जैसे लोग बोलते हैं ना सारी आत्माएं समान है, ये सेंटेंस मायावादी है ना। इवन एक बार राधानाथ महाराज को एक डिवोटी ने कहा, पता है हमारे वाले प्रभु जी जो है उन वाले प्रभु जी जैसा लेक्चर देते हैं। तो राधानाथ महाराज ने उनसे बोला कि क्या आप मायावाद फिलोसफी को फॉलो करते हैं? क्यों महाराज, आपको पता नहीं है कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जैसा नहीं हो सकता। एवरी इंडिविजुअल इज इंडिपेंडेंट एंड डिफरेंट, नोबडी इज इक्वल सिमिलर एंड दे कैन नेवर बी। हर आत्मा अपने आप में भिन्न है और वो अपनी भिन्नता अनादि काल तक बना के रखी और बना के रखेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं जो हूँ अपना शरीर छोड़ा और मेरी आत्मा जो है ना वो राम सेवक प्रभु की आत्मा के साथ मिल गई और अब हम डबल शक्ति वाली आत्माएं बन गई, दो आत्माएं हो गई। और बोलते हैं ना हम तो पति पत्नी प्रेम करते तो बोलते हैं अरे हम तो दो शरीर एक आत्मा है ना। कभी कभी लोग ऐसे गुरु को या टीचर को भी लिखते हैं अरे वो हमारे टीचर क्या है, हम तो दो शरीर एक आत्मा है। लेकिन ये मायावाद फिलॉसफी है, हम अलग अलग शरीर हैं और अलग अलग आत्माएं हैं। और इसीलिए भगवत धाम जाने पर हम कभी भगवान में मर्ज नहीं होते हैं। तो भगवान में लीन हो जाना, भगवान के अंदर शरीर की एफल्जेंस में मिल जाना, ये मायावाद फिलॉसफी है। हम कभी मिल नहीं सकते क्योंकि आत्मा की क्वालिटी है, आत्मा इज इनसॉल्युबल, अघुलनशील है आत्मा। सेकंड चैप्टर में बताया गया है आत्मा कभी मिल नहीं सकती है, तो ना वो परमात्मा से मिल सकती है ना दूसरी आत्मा से। वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी पहले भी थी और हमेशा बनी रहेगी उसकी। तो ये इसलिए मात्रात्मक दृष्टि से भिन्न है, हम सबके शरीरों में नहीं है लेकिन भगवान सबके शरीरों में। और इसीलिए कभी कोई बोले कि राम विजय प्रभु के मन में आए काश आज प्रभु जी मेरा नाम ले दें, है ना, तो उनके मन में ये बात आए और मैं नाम ले दूं, अरे राम विजय प्रभु जैसा तो कोई भक्त नहीं है। अगर मैं ऐसा बोल दूं तो राम विजय प्रभु कहेंगे अरे प्रभु जी तो बड़े दिव्य हैं, इन्होंने तो कैसे मेरे मन की बात जान ली, तो मैं कोई दिव्य नहीं हूं, मैंने ना आपके मन की बात जानी है। ये सिस्टम क्या होता है, परमात्मा दोनों के अंदर सेम लगे हुए हैं। आपके शरीर में जो परमात्मा है वही मेरे शरीर में सेम, लेकिन आपकी आत्मा अलग और मतलब आप अलग और मैं अलग। तो हम दोनों की जो भिन्नता है उसको समान बनाता है कौन, परमात्मा। तो आपकी आत्मा की आवाज तो मैं नहीं सुन सकता हूँ लेकिन आपके हृदय में बैठे परमात्मा और मेरे हृदय में बैठे परमात्मा सेम है। तो वो आपके मन की बात मेरे वाले जो परमात्मा है उनको कॉपी पेस्ट कर देंगे और मेरे वाले परमात्मा मेरी आत्मा को बता देंगे कि आज तुम्हें इनका नाम लेना है। तो सामने वाली पार्टी को क्या लगेगा, अरे प्रभु जी तो दिव्य है, मन की बात पढ़ लेते हैं। मैं नहीं हूं, वो जो परमात्मा का ट्रांसमीटर फिट किया है हमारे शरीर में वो रीड कर लेता है सारी चीजों को। एंड दैट इज द पावर ऑफ होली नेम। जितना ज्यादा आप प्योर होते जाएंगे उतना उतना आत्मा क्यों परमात्मा दूसरे लोगों के मन की बातों को रिवील करने लगते हैं। इसीलिए जो गुरु होते हैं वो सब कुछ जान जाते हैं, बिकॉज इतने शुद्ध हो जाते हैं परमात्मा से, उनका आत्मा का कनेक्शन हो जाता है और परमात्मा उनको दूसरों के हृदय की बात रिवील कर देता है सब कुछ। अरे इसके मन में ये चल रहा है, ये शरारती है, ये नियम भंग कर रहा है, ये क्लास में नहीं आना चाहता, सारी चीजें उसको अंडरस्टैंड हो जाएंगी। एंड दैट इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। जी प्रभु जी आगे पढ़िए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं क्योंकि दोनों चेतन शाश्वत तथा आनंदमय हैं, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। हाँ, तो परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में समान रूप से विद्यमान है। ठीक है, तो मंत्र 6 पढ़ते हैं, आप अपना ईशोपनिषद पर आते हैं। हाँ बोलिए प्रभु जी, एक छठे अध्याय में ना 8वां 9वां श्लोक भी है। छठे अध्याय में हाँ तो है, वो तो श्लोक तो बहुत सारे हैं इसमें, 9वें अध्याय में भी हैं कुछ श्लोक का, लेकिन हम सारी चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो आप पढ़ दीजिए उसका अनुवाद पढ़ दीजिए। हाँ, 9वां पढ़ता हूँ प्रभु जी। इसमें भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ, इसमें लिखा है कि जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों प्रिय मित्रों तटस्थों मध्यस्थों ईर्ष्यालुओं शत्रुओं तथा मित्रों पुण्य आत्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है।
हाँ, तो समान भाव से जो भी दिखेगा तो वो उन्नत होगा, लेकिन सिर्फ समान भाव से देखना है, समान व्यवहार नहीं करना है सबके साथ में, है ना, क्योंकि पता चला फिर दंगे हो जाएंगे। तो इसलिए दंगे नहीं करने, लड़ाई झगड़े नहीं करने। अभी आज हम पढ़ेंगे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ठीक है। राम से प्रूव आप पढ़ सकते हैं, ये तो ये महाभागवत अर्थात ऐसे महापुरुष का विवरण है जो हर वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संदर्भ में देखता है। परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति की तीन अवस्थाएं हैं। कनिष्ठ अधिकारी अनुभूति की निम्नतम अवस्था में होता है। वह अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार किसी पूजा स्थल या मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद में जाता है और वहां पर शास्त्रों के आदेश अनुसार पूजा करता है। ऐसी अवस्था के भक्त भगवान को पूजा स्थल पर ही उपस्थित मानते हैं, अन्यथा कहीं नहीं। वे ना तो ये निश्चित कर पाते हैं कि भक्ति में कौन किस स्थिति पर है, ना ही वे ये बता सकते हैं कि किसे भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। ऐसे भक्त साधारण नियमों का पालन करते हैं और कभी कभी परस्पर लड़ झगड़ भी पड़ते हैं कि अमुक प्रकार की भक्ति दूसरे से श्रेष्ठ है। वास्तव में ये कनिष्ठ अधिकारी भौतिकवादी भक्त होते हैं जो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए भौतिक सीमा को लांघने मात्र का प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ, तो अभी हमने पढ़ा, तो इसमें तीन लेवल की चर्चा होगी किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो व्यवहार भी अलग होता है, अभी तो ये बता रहे हैं कि लक्षण क्या है, व्यवहार की चर्चा नहीं हो रही है। तो लक्षण है कनिष्ठ अधिकारी, मतलब कि नीचे थर्ड लेवल पर जो थर्ड कैटेगरी में डिवोटी है, ये भी डिवोटी है। अब इसके क्या है, अनुभूति की निम्नतर अवस्थाएं हैं। अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार किसी पूजा स्थल, मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद में जाता है। तो उसकी आस्था होगी विष्णु मंदिर जाने की, तो विष्णु मंदिर जाएगा, कृष्ण मंदिर जाएगा, या अपने लोकल इस्कॉन में उसकी आस्था होगी, जहां भी उसकी आस्था होगी वहां वो जाएगा और शास्त्रों के आदेश अनुसार पूजा करेगा। शास्त्रों में जो आदेश दिए हैं, मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी यथा रूप में पालन करता है। मतलब कोई अगर शास्त्र विधि से पूजा कर रहा है तो अभी वो कनिष्ठ अधिकारी स्तर पर आया है। और भागवत में तो यहां तक लिखा है किसी की ब्राह्मण दीक्षा भी हो गई है, ऑल्टर में सेवा कर रहा है, तब भी वो व्यक्ति कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पर आएगा। तो ऐसी अवस्था के भक्त भगवान को पूजा स्थल पर ही उपस्थित मानते हैं। वो कहते हैं भगवान तो खाली पूजा स्थल में, अन्यत्र कहीं नहीं है, है ना। सबके हृदय में भगवान थोड़ी है, तभी तो भगवान के आगे होता है तब बड़ा सतर्क होता है, लेकिन जब भगवान से अलग होता है तो सतर्क नहीं होता। 25 मिनट की आरती होती है, उसमें कभी देखा है कि 25 मिनट की आरती में कोई व्यक्ति टॉयलेट करने चला गया, पुजारी 2 मिनट दिया छोड़ करके बोला दिया बाद में कर लूंगा, वॉशरूम जा रहा हूं, आप लोग कीर्तन करते रहो, ऐसा हमने कभी नहीं देखा, है ना। जिसने एक बार अगरबत्ती उठा ली वो फिर एंड के उपचार पंच उपासना जो करते हैं, चंवर डुलाने तक, पंखा करने तक, वो पुजारी पूरी सेवा एकाग्रचित होके करेगा। तो इसका मतलब वो मानता है कि मंदिर में है, लेकिन वही भक्त नीचे उतर कर आएगा तो जब जप करेगा तो जप करते वक्त बातें करेगा, वो ये भूल जाएगा कि जो भगवान है वो हरि नाम भी वही है जो अंदर मंदिर में विग्रह के रूप में अवतरित है। तो ये भेद है। अब ये फिर कनिष्ठ अधिकारी हो गया, मंदिर में जब ऑल्टर के सामने तब तो बड़े ध्यान से पूजा कर रहा था, लेकिन जब नीचे उतर रहा है तब माला में भगवान को नहीं देख पा रहा था, बातें कर रहा है, भक्तों में भगवान को नहीं देख पा रहा, भगवत गीता को भगवान का वांग्मय स्वरूप नहीं देख पा रहा, श्रीमद् भागवत को भगवान का वांग्मय स्वरूप नहीं देख रहा, किसी भक्त के अंदर परमात्मा का वास है वो नहीं देख रहा, है ना। तो ये स्थिति जिसकी आती है वो फिर महाभागवत होता है, जो समझ पाता है कि मुझे सब में समान रूप से देखना है, अन्यथा ये कनिष्ठ अधिकारी के स्तर बताया गया। कनिष्ठ अधिकारी भौतिकवादी भक्त होते हैं, ये मतलब थोड़ा खतरनाक सा शब्द है, भक्त भी बोला गया और भौतिकवादी भी बोला गया। तो भौतिकवादी क्यों है वो, क्योंकि अभी उसको भौतिक धरातल की सोच समझ है उसकी, भक्ति की उसने तिलक लगा लिया है, उसका नाम बदल गया है, दास दासी लग गया है, लेकिन उसकी समझ अभी भौतिकवादी है। प्रभुपाद बोलते थे कि अवर आईज आर स्पिरिचुअल, अगर मेरी आंखें आध्यात्मिक है तो मुझे हर जगह सर्वत्र भगवान का दर्शन होगा, और अगर मेरी आंखें मटेरियल है तो मुझे मंदिर में भगवान भी पत्थर दिखेगा। एक बार, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बार दो भक्तों का झगड़ा हो गया था मंगला आरती के टाइम पे, हमारे मंदिर में नहीं हुआ, मैं किसी और मंदिर में था, वहां पर सुबह मंगला आरती में दो भक्तों का झगड़ा हो गया। मतलब 4:30 बजे भगवान का पट खुलना था, एक भक्त को कीर्तन करने की सेवा मिली थी, तो दूसरा व्यक्ति बोलता है रोज यही यही कीर्तन करेगा, क्या मैं नहीं करूंगा।
तो उसने क्या किया, ऐसे करके जोर से उसको धक्का दे दिया। तो जिसको धक्का दिया माइक के आगे से, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, उसने मृदंग उठा के जमीन पे फेंक दिया धाड़, और पूरा मृदंग ही फट गया। अब 4:30 की जगह 4:35 हो रहे हैं, 4:40 हो रहे हैं, दोनों आपस में सेटलमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि भगवान की आरती गानी है ना। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती कभी कभी, मैं तो देखकर मैं तो आंसू निकल आए, मैंने कहा ये क्या हो रहा है ना, ये ऐसा कैसे व्यक्ति के अंदर हो सकता है। तो भक्त बनना खाली ये नहीं है कि हमने अपना रूप परिवर्तन कर लिया, भक्त बनने का मतलब हमें अपनी भावनाओं को भी परिवर्तन करना, और ये कोई साधारण सा बड़ी सरलता से नहीं होगा, अथक प्रयास करने पड़ते हैं, समझना पड़ता है चीजों को, तभी जाके हम परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्र अध्ययन करना, भक्तों का संग करना, विषम परिस्थितियां इम्प्रैक्टिकल सिचुएशंस आएंगी हमारे सामने, और उन सिचुएशंस पे क्या आप डिवोशनल लाइफ को कंटिन्यू कर पाएंगे। अर्जुन के सामने उनका पुत्र अभिमन्यु मर गया था, अभिमन्यु पुत्र है, जरा सोच के देखो 2 मिनट, एक पुत्र है और पुत्र सामने मर गया है, और भगवान भी खड़े हैं, भगवान भी कुछ नहीं कर पा रहे कि रक्षा कर लें उसकी, लेकिन ऐसी अवस्था में अर्जुन ने भगवान की वाणी को सत्य करने के लिए दोबारा पुनः रथ पे चढ़े, पुनः युद्ध किया दोबारा। मैं कभी कभी सोचता हूं कहीं ऐसी सिचुएशन हमारे साथ हो जाए तो क्या हम दोबारा लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारा तो विश्वास ही टूट जाएगा, अरे प्रभु ये क्या हुआ, माला उठाई पच्चा चला गया, ये कैसे हो गया। लेकिन जो दोबारा ऐसी स्थिति में लड़ने को तैयार है, अपने नियत कर्म करने को तैयार है, वही सही मायने में भक्त है आज। और चलो ये तो बहुत ऊंचा एग्जाम्पल हो गया डेथ का, एक ऐसा एग्जाम्पल है कि किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, आपने सेवा करी और आपकी सेवा से नाखुश होकर किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी, तो हम अपनी बेइज्जती को सहन नहीं कर पाएंगे, हमें लगेगा अरे मंदिर में भी बेइज्जती हो जाती है, और व्यक्ति छोड़कर चला जाएगा। तो जब वो ऐसी सिचुएशन में सहनशील बनेगा तभी उसका प्यूरिफिकेशन होगा, शुद्धिकरण ही का प्रोसेस ही यही है, अदरवाइज इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट टू प्यूरिफाई आवर सेल्स। हमारा शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा, हमारा शुद्धिकरण तभी होता है जब कोई जाने अनजाने हमारे प्रति अपराध कर दे और हम उसको सहन कर लें, टॉलरेट कर लें। हमारे गुरु महाराज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं, इफ यू नीड दी भक्ति देन पे दी प्राइस ऑफ टॉलरेंस एंड ह्यूमिलिटी। विनम्रता और सहनशीलता को आपको अपने जीवन में EMI समझना पड़ेगा कि मुझे भक्ति खरीदनी है ना। एक परचेज करते हैं बाजार से, कोई गाड़ी खरीदते तो EMI पे करते हैं, मकान खरीदते EMI। तो भक्ति अगर खरीदनी है, भक्ति अगर अपने जीवन में चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए, तो ये 2 EMI देने पड़ेंगे, टॉलरेंस एंड ह्यूमिलिटी, सहनशीलता और विनम्रता। पे द प्राइस, महाराज बोलते हैं पे द प्राइस। इफ यू आर नॉट रेडी टू पे द प्राइस, आप क्या होगा, कोई बुरा बोलेगा आप भी बुरा बोलेंगे, तो लोन पेंडिंग का पेंडिंग चलेगा, आप कभी भक्ति को खरीद नहीं पाएंगे, भक्ति को अपने अपने पास नहीं ला पाएंगे। तो विनम्रता के माध्यम से, सहनशीलता के माध्यम से हम भक्ति को पुनः अपने पास प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए यहाँ लिखा है, ऐसे भक्त नित्य कर्म करते हैं और कभी कभी परस्पर लड़ झगड़ भी पड़ते हैं। तो जो मैंने उदाहरण दिया उसमें लड़ाई झगड़ा देखा मैंने, लोग लड़ झगड़ जाते हैं, बड़ा अजीब लगता है भाई, प्रभुपाद जी का मिशन है, प्रभुपाद जी का मूवमेंट है, आपकी भौतिक बुद्धि से आप मंदिर में आए हो, आप झगड़ा कर रहे हो। कई बार लोग कंप्लेन करते हैं, प्रभु जी वो व्यक्ति ऐसा बिहेव कर रहे थे, डिवोटी होकर ऐसा बिहेव कर रहे थे। हाँ क्यों नहीं, एक पेड़ है, उस पेड़ पर खट्टे आम भी होते हैं, मीठे आम भी होते हैं, कड़वे आम भी होते हैं। तो ये हो सकता है वो अभी कच्चे आम है, कुछ समय तक लटका रहेगा तो कुछ समय बाद वो पक्का आम बन जाएगा, तो आप उसे सहन करो, और अगर आपको ज्यादा खट्टा और कड़वा लगता है तो उसे चखो मत, दूरी बना के रख लो जरूरी है तोड़ करके खाना, आपको कड़वा लगता है तो उसके बुराई मत करो, उसको तोड़ो मत, उसको शाखा से मत अलग करो, आप उसको मत खाओ, मीठा वाला ढूंढ के खा लो। लेकिन लोग क्या करते हैं, नहीं इसको तो निकलवा के रहूंगा, इस आम को तो तोड़ ही डालूंगा, शाखा से अलग कर दूंगा। तो ये कोई समझदारी नहीं है, इसका मतलब आप में सहनशीलता नहीं है, आप तो उसके पीछे पड़ गए कि इसको निकलवा के रहूंगा, इसकी शाखा से बाहर करा दूं इसको, है ना, इसको जड़ से निकलवा दूं। तो ये दिस इज नॉट डिवोशनल। बड़ा गहरा पाप लगता है अगर हम कोई हमारे साथ बुरा भी करे तब भी हमें उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि कृष्ण की नजर में त्रुटियां तो मनुष्य करता ही है,
और त्रुटियां जो करता है, भगवान कहते हैं अगर उससे कोई गलत काम भी हो गया है, मैं उसको भक्त मानता हूं। कौन से श्लोक में बताया गया है कि मैं उसे भक्त मानता हूं? भगवत गीता के कौन से श्लोक में? जी गौतम प्रभु, अभी 9.29 है, 30, ठीक है, तो 30 पढ़िए। तो इसका मतलब है यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है और भक्ति करते करते अगर कोई गंदा काम कर बैठता है, जघन्य काम कर बैठता है, लेकिन फिर भी वो भक्ति में लगा रहता है, हरि नाम जाप कर रहा है, मंदिर आ रहा है, सेवा कर रहा है, तो मेरी नजर में वो साधु ही है क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग है। अब भगवान ने तो उसको साधु मान लिया और आप उसे असाधु मान रहे हैं, तो अपराध किसको लगेगा? जिसने गलत किया उसको नहीं लगेगा, जो गलत मान रहा है उसको लग जाएगा। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, जिसने गलत किया उसको नहीं लग रहा है, जो गलत मान रहा है उसको गलत लग, उसको अपराध लग जाएगा कि मेरे अकॉर्डिंगली। अरे जब कृष्ण कह दिए अपी चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाकम साधुर एवं ही मंतव्यम सम्यक व्यवस्थित हो ईसा, मेरी नजर से वो व्यक्ति साधु है, लेकिन हमारी नजर में अरे वो प्रभु वो माता ये असाधु मान रहे हैं, है ना, तो उसका अपराध हमको लग जाएगा, भगवान की नजर में वो साधु है। लेकिन एक व्यक्ति जो भजन छोड़ दिया है उसको आप बोल सकते हो असाधु है, क्योंकि यहां पर भगवान उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो साधु गलत काम करके भक्ति के मार्ग को ही छोड़ गया, है ना। कोई व्यक्ति उसने माला छोड़ दी, मंदिर छोड़ दिया, ग्रुप छोड़ दिया, वो व्यक्ति तो फिर पापी है, उसको आप बोल सकते हो हाँ यार वो बैड था। लेकिन जो व्यक्ति भजन में लगा हुआ है और उसमें कोई त्रुटि आपको दिखती है और आप उसकी कंप्लेंट करते हो, उसमें ये त्रुटि, उसमें ये त्रुटि, उसमें ये त्रुटि, उसमें ये त्रुटि है, हो सकता है कि उसमें त्रुटि है लेकिन कृष्ण की नजर में तो वो साधु है, लेकिन आप क्योंकि त्रुटि गिनवा रहे हैं तो आप असाधु, आपको पाप लगेगा। और हैवी सिन होते हैं ये वैष्णव अपराध, सबसे बड़ा सिन है, सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा ये ऑब्स्टेकल है भक्ति के पाथ में। वैष्णव अपराध जो है यही व्यक्ति को भक्ति से दूर ले जा सकता है, और संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण भक्ति से दूर ले जाए, वैष्णव अपराध ये बहुत दूर कर देता है, बीज ही सूख जाता है व्यक्ति का भक्ति का। इसीलिए भगवान फिर अगले श्लोक में कहते हैं 31 में कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है मैं उसको क्या कर देता हूं, अगर वो अपने पाथ से बिगिर भी गया है। 9वें अध्याय भगवद गीता के 31 नंबर श्लोक में कहते हैं शिप्रम भवति धर्मात्मा, शिप्रम मतलब कि तुरंत शीघ्र भगवान उसकी उस त्रुटि को सॉल्व कर देंगे और वापिस उसको स्थाई पद पर स्थापित कर देंगे। शिप्रम भवति धर्मात्मा शांतिम अगच्छति, उसको शांति प्राप्त हो जाएगी, शाश्वत शांतिम निगच्छति, उसको शाश्वत रूप से शांति मिल जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति उसको साधु नहीं मानता है तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है उसने त्रुटि करी है, वो भी भक्ति करता रहेगा लेकिन वो उच्च पद पर स्थापित नहीं होगा। और उस व्यक्ति के लिए सेकंड लाइन बोल रहे हैं कौन्तुए प्रति जाने ये कुंती पुत्र सुनो नमे भक्तिया प्रणश्यति, उसका भी विनाश नहीं होगा। तो ये बड़ी समझने वाली लाइन है, किसके लिए लिखी गई है? पहली वाली साधु ने जिसने गलत काम किया उसके लिए कह रहे हैं कि अगर वो गिर भी गया तो उसको क्या माना जाएगा, उसको साधु माना जाएगा, शिप्रम भवति धर्मात्मा, उसे तुरंत धर्मात्मा बना दूंगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने उसमें त्रुटि निकाल दिया, अरे अरे इन्होंने तो गलत किया, ये तो गलत किया, कंप्लेंट्स करी, मिस्टेक्स ढूंढी, उसके लिए भगवान कह रहे, अर्जुन पूछ रहे उसका क्या होगा, तो भगवान उत्तर दे रहे कौन्तु है प्रति जाने ही हे कुंती पुत्र, इस बात को जान लो नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश तो नहीं होता है,
ठीक है, उसने अगर त्रुटि ढूंढी तो उसको भी मैं मैनेज करूंगा भक्ति के पथ पर, लेकिन प्रगति नहीं करने दूंगा। ही विल नॉट ग्रो इन भक्ति, ही विल मेंटेन बट ही विल नॉट ग्रो। इसलिए पहले श्लोक में आया शाश्वत शांति मृगच्छति, किसको मिलेगी? जिसने पाप किया होगा उसको शाश्वत शांति मिल जाएगी, लेकिन इसको शाश्वत शांति नहीं मिलेगी क्योंकि इसने त्रुटियां ढूंढ ली थी। इसलिए अपनी विजन को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एज पर ईशोपनिषद, श्रीमद भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये सारा विजन का खेल है। हाउ यू सी, हाउ यू परसीव एवरीथिंग, आप किस तरह से देखते हैं। हिज गज चैतन्य चरण प्रभु ने एक पुस्तक लिखी थी काफी समय पहले, मैंने पढ़ी थी। ही रोट अ बुक कॉल्ड आई, वी नीड आई टू सी द आई, वी नीड आई टू सी द आई, मुझे आंखें चाहिए खुद को देखने के लिए। एक आई है ई वाई ई और एक आई है आई अल्फाबेट, आई फॉर आई, मुझे आंखें चाहिए अपने को देखने के लिए। तो उस पूरी पुस्तक में उन्होंने यही चीज बोली है, परसेप्शन चेंज करो अपना, परसेप्शन चेंज करिए, चेंज योर परसेप्शन, हाउ यू परसीव थिंग्स। कई कई चीजें ऐसी होती हैं जो होती भी नहीं है, सामने वाला शक के मिजाज पर त्रुटियां कर जाता है। मान लो कल को एक डिवोटी खड़ा है और वो डांसिंग स्टूडियो के बाहर खड़ा हुआ है ना, और वो वेट कर रहा है कि एक डिवोटी को गीता देनी है, और वो वेट कर रहा है वहां पर खड़े होकर, पास में से गाड़ी गुजरती है और दूसरे व्यक्ति कहता है, अरे देखो देखो कितना लेक्चर देते हैं प्रभु जी, डांसिंग बार के आगे खड़े हुए हैं। अब जिसने एड्रेस दिया उसने यही बोला, डांसिंग बार के आगे मिलेंगे, वहां पर आप रेड लाइट पर मिलिएगा, आपको वहां पर मैं गीता लूंगा आपसे। अब ये डिवोटी तो गीता देने गया है, लेकिन सामने वाले ने परसीव कर लिया कि ये डांसिंग बार का वेट कर रहे हैं, अंदर जाके डांस करेंगे, और फिर आकर त्रुटि में दूसरे लोगों को बोल दिया, चार लोगों को, फालतू में भक्त बनते फिरते हैं, कोई भक्त वक्त नहीं, छोड़ो इनका क्लास, छोड़ो इनका ग्रुप, अपना बनाएंगे अलग से, वी विल मेक अवर ग्रुप, ओन ग्रुप, हम तीन मिलके नाचेंगे, चार मिलके नाचेंगे, तो क्या हुआ, इनसे अलग हो जाएंगे, है ना। शक की मिजाज पर, ओनली ऑन दी परसेप्शन, वी हैव टू चेंज द परसेप्शन, विजन चेंज करना है अपना, सो दैट वी नीड टू चेंज, हमें परसेप्शन चेंज करना है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि है। भगवान कह रहे हैं भक्ति में ग्रो नहीं कर पाएगा, शाश्वत शांति प्राप्त नहीं होगी उस व्यक्ति को, सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ सुमित प्रू आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रजी, जिन्हें साक्षात्कार की दूसरी अवस्था प्राप्त हो चुकी होती है वे मध्यम अधिकारी कहलाते हैं। ये भक्त चार श्रेणियों के व्यक्तियों के बीच अंतर को मानने वाले होते हैं, पहला परमेश्वर, दूसरा भगवत भक्त, तीसरा वे अबोध जन जिन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं है, और चौथा नास्तिक, जो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते और भक्ति करने वालों से घृणा करते हैं। मध्यम अधिकारी इन चार श्रेणियों के मनुष्यों के प्रति पृथक पृथक प्रकार से वर्ताव करता है। वह भगवान को, बस ये सुन लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं पृथक पृथक प्रकार के वर्ताव करता है। अगर कोई व्यक्ति बोले अरे प्रभु जी तो उनके साथ अलग डील करते हैं, हमारे साथ तो ऐसा बिहेव करते हैं, तो ये बोला गया है प्रभुपाद जी के द्वारा, करना पड़ेगा। आप सेवा मत करो, आप मंदिर में आओ मत, आप क्लास मत अटेंड करो, और जो अटेंड कर रहा है, जो व्यक्ति सेवा कर रहा है, जो अपने तन मन धन से लगा हुआ है, अगर उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए तो बोलो अरे उनको तो 10-10 एक एक घंटा बताते हैं, हम कह लिए तो 2 मिनट नहीं है, तो तुमने क्या किया है। ये बताया गया कि डिफरेंट व्यवहार करना पड़ेगा आपको उस आदमी के साथ में। अगर आप बोले नहीं नहीं प्रभु जी पढ़ा रहने दीजिए, पैसे की चोरी करके जाए तो कुछ भी करके जाए, इसको पढ़ा रहने दीजिए, अरे नहीं पढ़ा रहने देना है, ये सांप है, काट लेगा किसी व्यक्ति को, है ना। तो ये हमें डिफरेंस करना यहाँ बताया गया है, बर्ताव अलग अलग करना पड़ेगा। जी प्रभु जी, वह भगवान को प्रेम के पात्र मानकर उनकी पूजा करता है और भक्ति करने वालों से मैत्री स्थापित करता है। वह अबोधों के हृदय में सुप्त भगवत प्रेम को जगाने का प्रयास करता है, किंतु वह उन नास्तिकों के पास नहीं जाता जो भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं। तो ये चार प्रकार के अलग अलग लक्षण बताएं, अलग अलग व्यवहार बताएं इसमें। पहला व्यवहार बताया है, अब देखिए 1 नंबर पे लिखा था परमेश्वर, तो परमेश्वर के साथ कैसा लक्षण करना है,
उसका उत्तर दिया है, वह भगवान को प्रेम का उपादान मानकर उनकी पूजा करता है। तो परमेश्वर के क्या करता है, उपादान, हर चीज की सोर्स कृष्ण, सर्व कारण कारणम कृष्ण है, तो उनको सोर्स मान करके, एवरीथिंग सोर्स मान करके उनकी पूजा करता है। सारे कारणों के कारण कृष्ण, लॉस हो गया तो कृष्ण के कारण, प्रॉफिट हो गया तो कृष्ण के कारण, डेथ हो गई किसी की तो कृष्ण आप कारण, कोई बच्चा घर में आ गया एडिशनल मेंबर तो कृष्ण आपके कारण, सब सर्व कारण कारण आप है, हम तो निमित्त हैं आपके, आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया है हमको, है ना। दूसरा है भगवत भक्त, जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करता है, भक्ति करने वालों से मैत्री स्थापित करता है। तो जो भक्ति करते हैं उनके साथ मित्रता करता है, तभी हम ग्रुप्स बनाते हैं, तभी हम आश्रय क्लास बनाते हैं, क्योंकि ये भगवान को जानने के इच्छुक लोग हैं, इनके साथ मैत्री करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, इन लोगों से आदान प्रदान करना चाहिए, एक दूसरे के बारे में पूछना चाहिए, मैत्री करता है। तीसरे जो अबोध है, जिन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं है, उनको क्या करता है, उनके हृदय में सुप्त भगवत प्रेम जगाने का प्रयास करता है। तभी हम सेमिनार करते हैं डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस, ताकि जो लोगों के हृदय में सुप्त रूप में अबोध है, जिन्हें मालूम ही नहीं है कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, लेकिन बेचारे निंदक भी नहीं है, नास्तिक भी नहीं है, लेकिन उनको डायरेक्शन भी नहीं पता, मिसडायरेक्टेड है, तो ऐसे व्यक्ति को डायरेक्शन देना ये मध्यम अधिकारी का कर्तव्य है, उसको अबोध स्थिति से बोध कराना। और चौथा है नास्तिक, जो भगवान पर श्रद्धा ही नहीं रखता है, ऐसे व्यक्ति से वो जो भगवान के नाम से घृणा करते हैं उनका संग नहीं करता है। अभक्त संग त्यागात, यही हमको करना चाहिए, अभक्त संग का त्याग कर देना चाहिए, जिनके अंदर नास्तिक भावना है उनका त्याग कर। तो इसमें बड़ी सूक्ष्म लाइन है, अबोध और नास्तिक, ये हेयर लाइन डिफरेंस है। कैसे पता चलेगा कौन अबोध है और कौन नास्तिक है, हम जो प्रभु जी प्रचार करते हैं अपने परिवारों में, उसमें लोग सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, झगड़ा कर बैठते हैं, बड़े अबोध है, अबोध नहीं है वो, नास्तिक है। नास्तिक को छोड़ दो, जो अबोध है वो व्यक्ति विनम्र होगा, आपकी बात को सुनने के लिए तैयार होगा, तर्क कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन बड़ी हम्बली पूछेगा, अरे प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, सुमित प्रभु जी आप बता देंगे मेरा एक प्रश्न था, वो ये नहीं बोलेगा ए भगवान भगवान कुछ नहीं होते है, तुम्हारे भगवान हो गए भगवान, भगवान को किसने देखा है आज तक, वृंदावन बना लिया तुमने, है ना, ये सब चीजें तो नकली है, ढोंग है ये सारा। ऐसी बातें जो करते हैं, ऐसे अश्रद्धालु व्यक्ति को तुरंत त्याग देना चाहिए, उस व्यक्ति को ज्यादा प्रचार करना नहीं चाहिए फोर्सफुली, अगेन एंड अगेन, एक बार किया दो बार किया नहीं समझ में आया हरे कृष्णा दूर हो जाओ। एक आदमी है उसने एक बार झूठ बोला, दो बार झूठ बोला, तीन बार झूठ बोला, चार बार झूठ बोला, वो 100 बार झूठ बोल चुका, क्या करोगे। भगवान कृष्ण ने भी अपना शिशुपाल को चक्र निकाल के मार दिया था। आप बोलो नहीं नहीं समदर्शी बने रहिए, समान रूप से देखिए, इसको हटाइए मत, इसको रखे रहिए, तो क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, हटाना चाहिए। बोला गया कि यहाँ पर आपको अलग व्यवहार करना पड़ेगा उस आदमी के साथ, नहीं तो वो क्या कर देगा, सारा का सारा पानी ही खराब कर देगा। तो ये यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। तीसरे प्रकार मध्यम अधिकारी के ऊपर है उत्तम अधिकारी, इनको कोई और पढ़ सकते हैं, नेहा गुप्ता माता जी पढ़िए। नेहा गुप्ता माता जी पढ़िए, आवाज नहीं आ रही है। नेहा माता जी ठीक है, हाँ जी मंजू माता जी एक मिनट आपको बोलता हूँ। हाँ जी मंजू यादव माता जी आप खोलिए, अपना अनम्यूट करिए, अपना अनम्यूट करिए मंजू माता जी अनम्यूट। हाँ आप बोलिए। मध्यम अधिकारी के ऊपर उत्तम अधिकारी होता है, जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर से संबंधित देखता है। ऐसा भक्त नास्तिक तथा आस्तिक मैं भेदभाव नहीं करता, क्योंकि हर एक को ईश्वर के अंश के रूप में देखता है। वह जानता है कि एक विद्वान ब्राह्मण तथा गली के कुत्ते में कोई बड़ा अंतर नहीं होता,
क्योंकि दोनों ही भगवान के अंश हैं। यदि वे अपने विगत जन्मों के भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न देह धारण करते हैं, यह देखता है कि परमेश्वर के अंश रूप ब्राह्मण ने भगवान द्वारा प्रदत्त अपनी सकल स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है, और कुत्ता अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होकर कुत्ते के शरीर में बद्ध है। ब्राह्मण तथा कुत्ते से अपने अपने कार्यों का विचार किए बिना उत्तम अधिकारी दोनों का कल्याण करने का प्रयास करता है। ऐसा विद्वान भौतिक शरीरों द्वारा भ्रम नहीं होता, अपितु इन जीवों के आंतरिक आध्यात्मिक फीलिंग से आकर्षित होता है। जो लोग बस बस माता जी, रुक जाइए, रुक जाइए माता जी, रुक जाइए। तो यहाँ पर बोला गया कि जो उत्तम अधिकारी होता है उसके क्या लक्षण है। उत्तम अधिकारी जो है, टॉप मोस्ट डिवोटी जो है महाभागवत, वो नास्तिक और आस्तिक को समान रूप से देखता है, ब्राह्मण और चंडाल को समान रूप से देखता है, समान रूप से देखता है, उनमें कोई भेद ही नहीं करता है। वो ये जानता है जो ब्राह्मण है वो आज ब्राह्मण के शरीर में क्यों आया, पिछले जन्म में उसने अपने जो सूक्ष्म आजादी है, फ्री विल, उसका सदुपयोग किया है। और वहीं दूसरी ओर जो आज कुत्ते के शरीर में है, उसने अपनी सूक्ष्म आजादी का दुरुपयोग किया है, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्री विल। शिला प्रभुपाद बोलते थे, रोड पे भिखारी बैठे होते थे, प्रभुपाद बोलते थे कोई डिवोटी, क्या स्वामी जी इनको हम कुछ दान ना दें, तो स्वामी प्रभुपाद बोलते थे नो, दे हैव मिसयूटिलाइज्ड देयर फ्री विल, इन्होंने अपनी सूक्ष्म आजादी का दुरुपयोग किया है। अगर आज हम इनको पैसा देंगे, इसका मतलब हम कृष्ण की जो विल है, उनकी जो इच्छा है, उसमें हम इंटरफेयर कर रहे हैं, उसको हम बीच में काट रहे हैं, हम बदलना चाह रहे हैं। प्रभुपाद जी ने एक जगह एक लेक्चर में बोला है, हिंदी में शायद इंग्लिश में प्रभुपाद बोल रहे हैं, मैं तो विदेश के हर कोने कोने में गया, सारे लोग गरीबी दूर करना चाह रहे हैं, है ना, कोने कोने में गया, लेकिन कहीं पर भी मेरे को भिखारी ना हो ऐसा नहीं मिला। लंदन स्ट्रीट पे भी मुझे भिखारी मिल जाते हैं, तो सब जगह भिखारी हैं, सब जगह भीख मांग रहे हैं, सब जगह गरीबी है। कोई सोचे विदेश चले जाएंगे तो अमीर हो जाएंगे, लंदन चले जाएंगे अमीर हो जाएंगे, हर जगह गरीबी है, हर जगह प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें ये बात समझनी चाहिए कि गरीबी तो चारों तरफ है। अगर हम किसी को 10 रुपए दे देंगे, हमें बड़ा लगता है हम बड़े कृपालु हो गए, हम बड़ा दान देने वाले हो गए, उसने अपनी आजादी का दुरुपयोग किया। फिर भी आप देना चाहते हैं तो उसको प्रसाद दे दीजिए, कपड़ा दे दीजिए, और अगर पैसा भी देना है, कोई बहुत जरूरतमंद है, तो उसको बोलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब वो मंत्र बोल ले तो उससे पूछना, इन पैसों से शराब तो नहीं पियोगे, तमाकू तो नहीं खाओगे, इन पैसे का दुरुपयोग तो नहीं करोगे, तब उस व्यक्ति को आप दान दे सकते हैं। और अगर आपको इतनी डिटेल पूछने का टाइम नहीं है तो गिव सम प्रसाद, कोई एप्पल दे दिया, कुछ बिस्किट दे दिया, कुछ फ्रूट दे दिया, पर उसको दान में पैसा नहीं देना है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये अपनी सूक्ष्म आजादी का दुरुपयोग करके आज उसने भिखारी का शरीर पाया है, है ना। और ऐसे ही आज जो लोग हमें दिख रहे हैं, बड़े ऐशो आराम में घूम रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, मस्त हैं, खा रहे पी रहे हैं, एक ना एक दिन ये भी अगले जन्म में जाकर के रोड पर बैठने वाले भिखारी बनेंगे। कोई लंगड़ा होगा, कोई लूला होगा, कोई अंधा होगा, क्या हो गया, बोले भैया इन्होंने अपनी सूक्ष्म आजादी का दुरुपयोग किया, भगवान का नाम नहीं लिया, भजन नहीं किया, मंदिर नहीं गए, कक्षा नहीं सुनी, भागवत नहीं सुना। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं आप, उसको क्या बदल सकते हैं? तो आप उसकी चेतना बदल सकते हैं, लेकिन आप उसको कोई 2 रुपए दे करके उसको पूरा जीवन, वो आज 2 रुपए में मान लो खाना खा लिया, कल फिर चोरी करेगा, कल फिर भूखा रोएगा। तो इसलिए अगर किसी को दें तो सच में उसकी चेतना पर काम करवाना चाहिए हम, ठीक है। आगे पढ़ सकते हैं, जो लोग एक रूपता या मित्रता के भाव का अतिक्रमण करके उत्तम अधिकारी का अनुकरण तो करते हैं, किंतु देह आत्मबुद्धि के स्तर पर आचरण करते हैं, वे वास्तव में झूठे परोपकारी हैं। रूपा साफ साफ लिख रहे हैं, जो हैं तो अभी भौतिक धरातल पे, लेकिन अपने आप को बड़ा भारी साधु दिखा रहे हैं। लिखा होता है ना, श्री श्री 1008 का भंडारा कैसे कर दिया जी, भंडारा
क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति को गरीब समझ रहे हैं, अपने को अमीर समझ रहे हैं, उसको दान लेना वाला समझ रहे हैं, अपने को दान करता समझ रहे हैं। कर्ता की भावना जब तक है तब तक आप उत्तम अधिकारी नहीं है। उत्तम अधिकारी तो अपने को कर्ताहीन मानता है, मैं तो हूं ही नहीं कुछ, मैं तो मल के कीड़े से भी निम्न हूं, ऐसी भावना आती है, मुझसे सब सर्वश्रेष्ठ है। और इस श्रेष्ठता का भाव सबके प्रति रख करके वो सेवा करता है, तब वो सेवा लगती है। वरना लोगों में कर्ता की भावना रहती है, फोटो खिंचाते हैं, अखबार में डाल दो हमारी फोटो, आना चाहिए, हमारा भंडारा चल रहा है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं वे वास्तव में झूठे परोपकारी होते हैं। परोपकार तो करते हैं लेकिन झूठा परोपकार करते हैं, खाना खिलाया लेकिन उनको आध्यात्मिक चेतना नहीं। आज इस्कॉन भी प्रसाद खिलाता है लोगों को, दान देता है लोगों को, मदद करता है लोगों की, लेकिन हर एक व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। अभी जैसे हमने 2.5 करोड़ लोगों को खाना खिलाया, तो अभी पीछे एक टेम्पल स्ट्रेटेजी बन रही थी, जितने लोगों को खिलाया उन सबका डेटा कलेक्ट किया गया है, और अब ये प्लान किया जा रहा है उन 2.5 करोड़ लोगों तक कैसे भगवत गीता पहुंचाई जाए हर एक व्यक्ति तक, ताकि उनकी चेतना में परिवर्तन आ सके। और उनमें से कुछ लाखों लोगों को किसी स्टेडियम में बुला करके एक ना एक दिन गीता के प्रवचन समझाए जाए, उनके जीवन को जीने का तरीका सिखाया जाए। ये तरीका तो है, हम जहाँ जाते हैं प्रोग्राम में प्रसाद बाद में बांटते हैं, पहले कथा सुनाते हैं, कीर्तन कराते हैं, ताकि उसकी हृदय की चेतना में परिवर्तन हो। रोटी खिला देना इज नॉट अ सॉल्यूशन, कि आपने किसी को चपाती दे दी, पूड़ी दे दी और आप परोपकारी बन गए और वो आदमी बड़ा दया दे के आपको आशीर्वाद दे के चला गया, ये झूठा परोपकार है। इट्स लाए, ये बहुत बड़ा झूठ है। हम मिथ्याचारी कहलाएंगे भगवान की नजर में, हमने उसकी चेतना के लिए कुछ किया ही नहीं। कोई आदमी है वो बस के अंदर है, बस में आग लगी हुई है, वो चिल्ला रहा है बचा लो, आग घुसे बोले ये लो बचा लो, लड्डू खा लो। वो कहेगा अरे लड्डू खाऊंगा, आग लगी हुई है, अरे अच्छा कपड़े पहन लो, अरे आग लगी हुई है, अच्छा तो दवाई खा लो दवाई, अरे आग लगी, अच्छा ऑर्गन चाहिए, हमारा ऑर्गन रिप्लेसमेंट आपको, आंखें दे दे अपनी, अरे आग लगी हुई, उसे आग से बचाना है भाई। संसार दावा नलली जलोगा, अनल जो है ये आग चारों तरफ लगी हुई, उसको रक्षा करने की बजाय लोग हेल्प कर रहे हैं। हेल्प का मतलब किसी को थोड़ा धन दे दिया, किसी को थोड़ा कपड़ा दे दिया, किसी को थोड़ा, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये झूठा परोपकार है। और झूठे परोपकार से हमें यथारूप एज सून एज पॉसिबल बाहर आना है। विश्व बंधुत्व की धारणा उत्तम अधिकारी से सीखनी चाहिए, ना कि किसी मूर्ख व्यक्ति से जो आत्मा या परमात्मा के विस्तार अंश को भी जो सर्वत्र निवास करता है ठीक से नहीं जानता। अब ये लोग भगवान को तो जानते नहीं है, आत्मा को जानते हैं ना परमात्मा को जानते हैं, और बड़े बड़े भाषण देते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा आप खुद ही जानते हैं। एक भक्त थे जिन्होंने जाकर के, व्यक्ति थे, भक्त तो नहीं थे, और उन्होंने विदेशों में जाकर के एक प्रवचन दिया था, और जब विवर्ष प्रवचन दिया तो आज भी लोग बोलते हैं अरे वो तो स्वामी जी गए थे विदेशों में जाकर के प्रचार किए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति नहीं पढ़ा रहा है या कर रहा है अपने जीवन में, जो स्वयं को ही नहीं पहचान पाया, देवी देवताओं की पूजा कर रहा है और लोगों को बस खाली अच्छी बातें बता रहा है, सुनने में अच्छी लग रही हैं, तो वो खुद भी अंधा है और अंधे के अनुगमन करने वाले भी अंधे होते हैं। अंधा गड्ढे में गिरता है और उसका अनुगमन करने वाले लाखों करोड़ों लोग भी गड्ढे में गिर जाते हैं, है ना। हो सकता है कि उसके पीछे चलने वाले करोड़ों, आप बोलेंगे अरे उनके तो करोड़ों फॉलोवर हैं, करोड़ों फॉलोवर हो सकते हैं लेकिन वो अंधा है और संसार भी अंधा है, है ना। प्रभुपाद ने एक लेक्चर में कहा एक भेड़ी होती है, भेड़ी मतलब शीप, तो प्रभुपाद बोलते हैं भेड़ी को कैसे पकड़ा जाता है, तो प्रभुपाद बता रहे हैं लेक्चर में एक भेड़ी को लो और उस भेड़ी को तार का अंदर डाल दो और फट 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 सारा भेड़ी अंदर घुस जाएगा तो इसको बोलते हैं भेड़ चाल। एक भेड़ी के पीछे सारी भेड़ी चलती है ना, भेड़ यानी शीप। एक शीप को देख करके फट 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 प्रोपट आवाज निकाल के बोल रहे हैं सारी भेड़िया अंदर घुस जाएंगी और तारों के अंदर बंद हो जाती है। तो जैसे देखते होंगे आप कभी कभी रोड पे कई सारी भेड़ रोड क्रॉस करने में आके खड़ी हो जाती है। अब मैं कई बार सोचता था इतनी सारी भेड़ी है, ये आदमी की कितनी एनर्जी वेस्ट होती होगी ना, एक एक भेड़ी का नाम होगा, एक एक भेड़ी से इसका संबंध होगा और सब भेड़ों को पकड़ के ले जाना, क्योंकि ऊन ऊन उत्पादन होता है ना, फर निकलता है उनसे, तो उसकी तो प्रोडक्शन मशीनें हैं, कितना उसके तो एम्प्लॉयज हैं, वो भेड़ कितना ख्याल रखता होगा ये भेड़ चराने वाला, और रात को इसको बड़ी दिक्कत होती होगी
काउंट करनी पड़ती होंगी, 200 300 500 भेड़ होती है रोड पे चलती है, कहां गई मेरी एक भेड़। तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण में जब बताया तब मुझे पता चला, ओ अच्छा ये है, एक भेड़ी को अंदर डाल दो बस, जहां आपको रखनी है सारी भेड़ियां फट 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 सारी भेड़ी उसके पीछे पीछे चली जाएंगी, कोई भी रोड पे नहीं रहेगी, है ना। ये देखो कितनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग प्रभुपाद जी ने दी हमको, और हम भी ऐसे ही करते हैं। वो वाले का ना 5 लाख फॉलोवर है, उसके 10 लाख फॉलोवर है, तो भेड़ी बनना है कि भक्त बनना है जीवन में? भेड़ी भेड़ी बन जाते हैं लोग, फॉलोअरशिप देखते हैं, और फिर बाद में वो जो गुरुजी होते हैं वो जेल में चले जाते हैं, और फिर लोग रोते रह जाते हैं, है ना, अरे गुरुजी तो जेल में चले गए, फिर भी लोग नीचे वाले अपने दिल को सांत्वना देते हैं, लीला कर रहे गुरुजी, लीला कर रहे, लीला लीला, अरे मुंह काला हो गया तो उनका गुरुजी कहा फिर भी तुम लीला लीला कर रहे हो, लीला कृष्ण करते हैं ये लीला ये करेंगे। तो ये जो लोग हैं अंधे, ये अंधे अंधे अंधा जीवन है लोगों का, और हम उनसे कंपेयर करें अपने श्री गुरु को, अपनी गुरु परंपरा को, हम लोग तो मतलब बहुत कृपा मिली है भगवान की, जो हम परफेक्ट परंपरा में आ पाए, सच्चे गुरु लोगों को देख पाए जिन्हें धन की लालसा नहीं है, है ना। दो प्रकार के गुरु होते हैं, एक होते हैं वित्त हारक, क्या कहते हैं वित्त हारक, और एक होते हैं संताप हारक। पद्म पुराण में आया है एक गुरु होते हैं जिन्हें कहते हैं वित्त हारक। वित्त हारक मतलब सैलरी कितनी है आपकी, पहले क्वेश्चन पूछेंगे, आदमी बोलेगा जी गुरुजी आपकी कृपा से 1 लाख कमा लेता हूं। अरे 1 लाख, शास्त्र कहते हैं 50% तो हमको देना चाहिए, गुरु को देना चाहिए, 50,000 हमको दो हर महीने का शांति आश्रम के लिए दो। और गुरुजी ने ट्रस्ट बनाया शांति आश्रम, 50,000 रुपए वित्त हारक उसका पैसा ले लिया। और दूसरे होते हैं श्री गुरु, जो कि हमारे गुरु परंपरा में आते हैं, श्री वंदे श्री गुरु चरणार विंदम, इसलिए हम कहते हैं ऐसे श्री गुरु की हम चरण वंदन करते हैं जो हमारी गुरु परंपरा में गीता भागवत का ज्ञान बिना पैसे लिए देते हैं, है ना। लोग सोचते हैं इस्कॉन वाले तो मतलब फ्री में प्रचार करते हैं तो मूर्ख हैं, एक्चुअली ये नहीं समझते कितने बड़े दयालु हैं, पढ़े लिखे लोग फ्री में बिना किसी पैसे लिए प्रचार कर रहे हैं, और कभी लोग सोचते भी नहीं अरे चलो इनकी कुछ हेल्प करी जाए, इस मंदिर की कुछ हेल्प की जाए, फ्री में ज्ञान लेते हैं, फ्री में आगे बढ़ जाते हैं, सुखी जीवन बिताने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सच्चे गुरु लोग हैं जो आपसे आपके वित्त हारक नहीं है, पैसे नहीं हरण करने आए, संताप हारक का आपको ऐसा ज्ञान देंगे जिससे दुख चला जाए, संताप इस संसार के ताप चले जाए आपके, है ना। तो हमें ऐसा गुरु चाहिए संताप हारक हो। इसका एक उदाहरण है हमारे शास्त्रों में आती कथा बलि महाराज के, जो राक्षस राज थे, बलि राक्षस राजा बलि महाराज, उनके गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने जब देखा भगवान विष्णु वामन रूप लेके आए हैं और 3 पग में इसका पूरा सब कुछ छीन लेंगे, तो बलि ने जब कहा बोलो ब्राह्मण क्या चाहिए, तो वामन देव ने कहा 3 पग भूमि चाहिए, सिर्फ 3 पग भूमि, 3 पैर, इतने छोटे छोटे से वामन बोने 2.5 फुट के, कहा इतने छोटे छोटे पैर, अगर 3 पग चलोगे तो तुम्हारे लेटने लायक जगह भी नहीं होगी, क्या बोल रहे हो तुम, अरे ब्राह्मण कुछ मांग लो आज मैं दान दूंगा तुमको। तो ये जब बात सुनी तो जो शुक्राचार्य थे, शुक्राचार्य ने कहा अरे बड़ी गड़बड़ हो गई, ये सारा धन अगर विष्णु लूट के ले जाएगा तो मेरी रोटी कैसे चलेगी। तो उसने मना कर दिया, बोले ना 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 ना, ना इसको दान नहीं देना ब्राह्मण को। बलि महाराज बोले अरे आप क्या बात कर रहे हैं, आप मेरे गुरु हैं और आप मुझे इस दान देने से मना कर रहे, कैसे भक्त हैं आप। अरे मैं तुम्हें दान देने से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें विष्णु को दान देने से मना कर रहा हूं, ये सारा छीन लेगा तुम्हारा। तो है ना, माने नहीं, बलि महाराज ने जल जल निकाल करके, हाथ में थोड़ा जल लिया जाता है और जल लेकर के संकल्प मंत्र बोले जाते हैं ना, भारत वरहा कल्पे भारत खंडे जम्बू दीपे, है ना, अमुक गोत्रे अमुक तिथे, और फिर संकल्प किया जाता है मैं दान कर रहा हूं। तो जब उन्होंने वो सारे मंत्र पढ़े, जल निकालना चाहा, तो जल की जारी बोलते हैं ना, जो छोटी सी सुराई होती है पीतल की, जिससे लोग नेति क्रिया करते हैं, यहां से नाक में पानी डालते हैं दूसरी साइड से निकालते हैं, तो वो जो उसकी पाइपलाइन थी नेति क्रिया करने वाली सुराई की जो नाल थी दंडी पाइप, उसके अंदर शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप लेके बैठ गए, बोले मैं जल ही नहीं निकलने दूंगा तो कैसे दान देगा। वित्त हारक का गुरु था ना वो, वित्त चाहिए था, धन चाहिए था शुक्राचार्य को, और कहा यह सब कुछ दे देगा तो हम तो रोड के भिखारी हो जाएंगे।
तो इस प्रकार से वो देना नहीं चाहते। तो बलि महाराज ने कहा, अरे क्या हो गया, मेरी जारी से जल नहीं निकल रहा। तो पास में पड़ी एक पेड़ की डंडी उठा करके जारी की, जैसे नाली को साफ करते हैं ना, तो नाली को साफ किया। जब नाली को साफ किया तो अंदर से पानी की जगह रक्त निकलने लगा, खून। अभी खून निकला तो देख करके हैरान हो गए, बोले खून कहाँ से आया। शुक्राचार्य त्राहिमाम करते हुए बाहर निकल आए, बोले क्या किया तूने, अपने गुरु की आंख फोड़ दी है, ऐसा शिष्य होता है कोई। तो बलि महाराज ने कहा, मैं अभी इसी पल आपका त्याग करता हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग है, मैं अभी इसी पल आपका त्याग करता हूं। तो गुरु को त्यागा भी जा सकता है अगर वो कृष्ण भक्ति से अपोजिट ले जाए। कई बार लोग बोलते हैं ना, हमारे गुरु जी तो मना करते हैं इस्कॉन मत जाओ, हमारे गुरु जी तो कहते हैं कि देवी ही सब कुछ है, हमारे गुरु जी तो कहते हैं ज्योतिष विद्या ही सब कुछ है, हमारे गुरु जी तो कहते हैं भगवान ही निराकार है, हमारे गुरु जी तो कहते हैं एकादशी तो औरतें रखती हैं, विधवा रखती हैं, तुम क्यों रखते हो। ऐसे करके जो लोग बोलते हैं ना, ये वित्तहारक होते हैं, इनको जितनी जल्दी त्याग दिया जाए उतना अच्छा है। तो कई बार लोग क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से कि क्या हमने पहले दीक्षा ली है तो क्या दोबारा दीक्षा ले सकते हैं, अगर ऐसे किसी गुरु से जुड़े थे जिसने हमें कृष्ण भक्ति नहीं दी तो क्या दोबारा दीक्षा ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ऐसे वित्त हारक गुरु को छोड़ करके संताप हारक गुरु की शरण में आना ही, उत्तम अधिकारी की शरण में आना ही जीवन को सुधारना है। दैट इज द रियल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अब हम आगे इसको पैराग्राफ को पढ़ते हैं। सुमित प्रभु आप पढ़ सकते हैं। इस छठे मंत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक तरह से देखे। इसका अर्थ यह हुआ कि वह पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करे जो प्रमाणिक शिक्षक हैं। इस प्रसंग में अनुपश्यति अत्यंत उपयुक्त संस्कृत शब्द है। अनु का अर्थ है अनुसरण करना और पश्यति का अर्थ है देखना। इस प्रकार अनुपश्यति शब्द का अर्थ यह हुआ कि वह वस्तुओं को उस रूप में न देखे जिस तरह वह अपनी खुली आंखों से देखता है। प्रत्युत पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करे। भौतिक दोषों के कारण आंखें किसी भी वस्तु को ठीक से नहीं देख पाती। कोई तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक उसने किसी श्रेष्ठ स्रोत्र से सुन न रखा हो, और सर्वोच्च स्रोत्र वैदिक ज्ञान है जो स्वयं भगवान द्वारा दिया गया है। वैदिक सत्य गुरु शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास और व्यास से उनके कई शिष्यों तक आता है। पहले वेदों के संदेश को अभिलिखित करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि तब लोग अधिक बुद्धिमान तथा प्रखर स्मरण शक्ति वाले होते थे। वे प्रमाणिक गुरु के मुख से मात्र एक बार सुनकर उपदेशों का अनुसरण कर सकते थे। तो यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया अनुपश्यति। अनुपश्यति में अनु शब्द का अर्थ है अनुसरण, और एक शब्द होता है जिसका नाम है अनुकरण। तो हमें आचार्यों का अनुसरण करना है। अनुसरण मतलब होता है फॉलो, और अनुकरण होता है इमिटेशन, यानी कि नकल करना। रूप गोस्वामी की मोटी माला थी तो मैं भी मोटी माला लूंगा। रूप गोस्वामी व्हाइट धोती पहनते थे, काली नीचे नीचे पहनते थे, ऊपर नहीं पहनते, तो मैं भी नीचे नीचे पहनूंगा, ऊपर नहीं पहनूंगा। रूप गोस्वामी ऐसा करते थे, दिन में एक बार छाछ पीते थे तो मैं भी एक बार छाछ पीऊंगा। तो अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। और साथ में उनको पश्यंती शब्द का मतलब है उन्होंने जो दृष्टि से हमको दिखाया है संसार, उस दृष्टि से संसार को देखना है, अपनी दृष्टि से नहीं देखना है। हमारे पास तो बुद्धि नहीं है, हम तो अपने हिसाब से जज करेंगे तो कुछ ना कुछ गलत जज कर बैठेंगे, और बाद में हम बोलते हैं अरे डिसीजन गलत हो गया, क्योंकि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमें आचार्यों की आंखों से देखना है कि ये संसार कैसा है। ये संसार है स्वप्नवत। इस संसार का एक नाम दिया गया है स्वप्नवत, लाइक अ ड्रीम, स्वप्नवत। तो आज हम कई शब्दों पे चर्चा कर रहे हैं, उत्तम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी। हमने चर्चा करी समदर्शी, समवर्ती। अब हम चर्चा कर रही हमने अनुपश्यंती। उसके बाद शब्द पे चर्चा करी अनुसरण, अनुकरण। अब हम चर्चा कर रहे हैं स्वप्नवत पर, कि ये संसार स्वप्नवत है। स्वप्नवत मतलब यानी कि ड्रीम के, सपने के समान। अब सपना क्या है, वो कई शायर गा देते हैं ना, जगत एक सपना है, कोई नहीं अपना है, ऐसे करके कुछ लोग
शायर कवि गाना गाते हैं, जे जगत सब सपना है कोई नहीं अपना है, लेकिन फिर भी बेचारे अटक जाते हैं गाते गाते। तो इसको समझना है आचार्यों की दृष्टि से। आप देखिए, आप सपने में सुग्रीव प्रभु सो रहे सपने में, है ना, और सोते सोते सपने में सुग्रीव प्रभु को उनके उनको याद आया, मैं तो राजा सुग्रीव था, वानर राज सुग्रीव था मैं तो, है, और इनके हाथ में गदा है, इनके हाथ में है ना मुकुट लगा हुआ है, एक पूंछ निकली हुई है, और बाली युद्ध चल रहा है स्वप्न में, और इतने में ही बाली जो है वो शक्तिशाली हो गया है, और सुग्रीव यादव जो थे वो सुग्रीव वानर राज सुग्रीव हो गए, और उनकी आदि शक्ति बाली के पास चली गई, और ये सुग्रीव जो है ये घबरा रहे, पसीने पसीने हो गए, लथपथ हो गए हैं, और ऐसी अवस्था में मंजू माता जी घबरा रही हैं, क्या हो गया, इनका हाथ कंधे पर क्यों है, अब ये तो स्वप्न में गदा उठाए हुए हैं, लेकिन उनको तो गदा दिख नहीं रही है, वो तो उनको तो खाली दिख रहा है कि हाथ ऊपर है और पसीने पसीने में भाग रहे हैं, है ना। तो वो पूछेंगे, अरे उठो उठो, सपना देख रहे हो क्या, सपना देख रहे हो क्या, हाँ बाली मुझे मत मारो, बाली मुझे मत मारो, छोड़ दो, हे श्री राम मुझे रक्षा करो। मंजू माता जी कहेंगे, उठो 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 उठो, और जैसे ही उठेंगे, ना बाली है ना गदा है ना ऋषिमुख पर्वत है ना कुछ है, सब खत्म हो गया, 5 मिनट का खेल था, सारा खत्म हो गया। ऐसे ही ये जीवन है स्वप्नवत, हमें लग रहा है ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी नौकरी है, ये मेरा दोस्त है, लेकिन ये स्वप्नवत है, किसी भी पल ये आपको त्याग करके चले जाएंगे या आपको इनको त्याग करके जाना पड़ेगा। तो ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं, होती रहती हैं, मैं रोज लोगों के फोन आते हैं, लोग बताते हैं हमारा 15 साल का बच्चा खत्म हो गया, हमारा 23 साल का बच्चा खत्म हो गया, हमारी 6 साल की बच्ची खत्म हो गई, लोग रोज फोन करते हैं, दुखद घटना है, परंतु ये स्वप्नवत है, सच्चाई, इसको जितनी जल्दी स्वीकार करेंगे उतनी जल्दी आप रियल जीवन जी पाएंगे, रियल जो होता है ना, एक 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 असली जीवन जी पाएंगे, वरना नकली जीवन जिएंगे, सोचेंगे ये मेरे अपने हैं, ये सब तो मेरे अपने हैं, लेकिन ये सब सपने हैं, आपका कोई नहीं है, एक दिन आपको इनको छोड़कर जाना है। कितना ही प्रेम क्यों ना करे कोई किसी से, वादे के गाने गाते हो, हम मिले तुम मिले एक दूजे के लिए, लेकिन सेकंडों में वो दूजापन टूट जाता है और दोनों की यात्रा अलग अलग प्रारंभ होती है। पत्नी को 20-20 साल तक पति के बिना रहना पड़ता है, और या फिर कभी कभी पति को पत्नी के बिना 20-20 साल रहना पड़ता है, बच्चों के बिना कई साल रहना पड़ता है, लेकिन जब वो शुरुआती प्रारंभिक जीवन होता है, उनको क्या लगता है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, माय स्वीट होम माय मेमोरीज माय होम, होम इज मेड ऑफ पीपल, होम इज मेड बाय हार्ट, ये सब करते रहते हैं, लेकिन जब होम टूटता है तो हार्ट अटैक हो जाता है व्यक्ति को, और फिर हार्ट अटैक में वापस भगवान का स्मरण तो छोड़ो, नॉर्मल जीवन भी छूट जाता है, सदमाग्रस्त स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे डिप्रेशन स्टेट कहते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जितनी स्वप्नवत अवस्था से बाहर आ जाएं, जो भी चल रहा है, मान लीजिए सपना है, किसी ने पता चला आपको डांट दिया, क्या मनोज जी आप भी आईसीएमआर करते हो, वैक्सीन तो लाए नहीं, हमको दी नहीं आपने अभी तक, तो मनोज जी बोले कि ठीक है बोल ले भाई, बोल ले, हम सहन करेंगे, तू तो सपने में बोल रहा है ना, बोलता रहा, जब जागृत अवस्था में आएगा तब देखेंगे, क्योंकि आप तो जाग गए हैं लेकिन वो तो अभी सो रहा है, सपने में बोल रहा है, बोलता रहा, तो उसको हंसी आएगी हमको उसको देख करके, हम हंसेंगे, अरे देखो सपने में बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है, देखो बड़बड़ाते हैं ना जैसे लोग सोते बड़बड़ा रहा है, लोग बड़बड़ाते रहते रात को सपने में, कभी कभी ऐसा होता है लोग सोते बोलने लग जाते हैं, हट हट हट, पता नहीं क्या हटा रहे होते हैं, कभी कभी लड़ाई कर लेते, पैर चलाते हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं आज तुझे, पैर चला रहे होते हैं, मेरे पैसे वापिस दे दे। तो सपने में लोग ना सोचते हैं सामने से तो लड़ नहीं पाया, सपने में लड़ लू, इतना विचार इतना ज्यादा हो जाता है कि वो ड्रीम स्टेट में उसका युद्ध प्रारंभ हो जाता है, और उसका रिएक्शन शरीर पर दिखता है, पसीने आ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंसू निकल आते हैं कई बार, और मेरी वाइफ के साथ ऐसा कई बार होता है, वो पता नहीं कौन सी स्टेट में चली जाती है और रोज सोते सोते रोने लग जाती है, मैं पूछा कहाँ रोने क्यों लग गए भाई, कोई मर गया क्या, खबर आई, मैसेज है, करे कुछ नहीं मैं कहीं थी, तो उसका रिएक्शन रो रही है, मैं रोना क्यों आ रहा है भाई, वो रो रही थी क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ, वो गुजर गए ऐसा हुआ, उनकी ये हो रही थी, अंतिम यात्रा थी, मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ सही है। अच्छा, तो ड्रीम स्टेट
ये स्वप्नवत जीवन है, इसमें से जितनी जल्दी बाहर आएंगे उतनी जल्दी आनंद का अनुभव होगा। मेरी सिस्टर को एक डिसीज हो गया, आज मैं डॉक्टर के पास लेके गया था उसको, उसको फील होता है कि मेरे माता पिता एक दिन मर जाएंगे। मैं कहता तो मरना ही है, कह रही मैं सोच सोच करके सोचती हूँ कि जब मर जाएंगे तो मैं कैसे इस बात को एक्सेप्ट कर पाऊंगी। मैंने कहा चलो ये तुम एक्सेप्ट, ये कभी सोचा है? ये तो चलो सोच लिया, ये सोचा है कि तुम्हें भी अपने शरीर से एक दिन निकलना है? तो बोली ये तो बड़ा मुश्किल है, इतना सब बनाया है, मेहनत करी है, पढ़ाई लिखाई करी है, क्या इसको भी छोड़ना पड़ेगा? मैंने कहा और क्या? बोली कब? मैंने कहा ये निश्चित नहीं, हो सकता है कल ही हो जाए सुबह, तैयार हो? अरे नहीं, वो रोने लग गई पूरी तरह से। मैंने डॉक्टर को बताया, मैं डॉक्टर कह रहे भैया ये तो फिर को बहुत ज्यादा फियर फोबिया हो गया है लोगों के छूट जाने का, कि मेरे अपने प्रियजन चले जाएंगे, ये सोच सोच के रोती रहती है। और कुछ नहीं हुआ, सब ना कोई बीमारी है, ना कोई कैंसर है, ना कोई डिसीज है, सब स्वस्थ है परिवार में, लेकिन सोच सोच करके ये हो जाता है। इसको कहते हैं फियर, फियर बोलते हैं फॉल्स एविडेंसेस अपीयर्स रियल, जो झूठ है वो सच्चा लगता है, फॉल्स एविडेंसेस अपीयर्स रियल। तो ये शरीर ही झूठ है, इस शरीर का नाम ही है मरण धर्म, ये पल 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 पर रोज रोज मर रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि नहीं नहीं ये मर कैसे गया। इसलिए युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं निधनम पश्यन अपि न पश्यति, दूसरे को मरता हुआ देख करके हम कभी सोच ही नहीं पाते कि हम मर सकते। ही पश्यंती शब्द यहाँ अनुपश्यंती, हमें देखना है किसके अनुसार, जैसे आचार्यों ने दिखाया कि तुम एक आत्मा हो, शरीर नहीं हो, अनुपश्यंती, पश्यंती नहीं करना है, अनुपश्यंती देखना नहीं है, आचार्यों के अनुसार देखना है। नहीं देख पाए तो फिर ये सदमे हमको भी लगेंगे। नरसिंह मेहता जी थे, नरसिंह मेहता जी के सामने सामने इतने बड़े भक्त थे कि उनके लिए भगवान ने कई बार उनको दर्शन दिया, है ना। उनकी जो एक एक ग्रंथ आता है भक्तमाल, भक्तमाल जैसे ग्रंथ है जिसमें भक्तों की मालाएं बनाई गई हैं, भक्तमाल ग्रंथों में तुकाराम और अनेक अनेक आचार्यों के नामदेव जी, जनाबाई जी, तुलसीदास, रामदास, मीराबाई, रैदास, अनेक अनेक भक्तों के चरित्र व्याख्यान किए गए। तो उसमें एक चरित्र है इनका, नरसिंह मेहता जी का, गुजरात के भक्त थे बहुत बड़े, उनका बेटा मर गया, वो कीर्तन कर रहे थे, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे गोविंद, भजो राधे, इधर से खबर आई, बोले जी आपका जो पुत्र था ना उसने शरीर छोड़ दिया, सांप ने काट लिया। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो बोले चलिए उसके अंतिम संस्कार के लिए। बोले हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं, हम तो गरीब है, आप एक काम करिए, आप लोग संस्कार की तैयारी करिए, तब तक हम थोड़ा भजन कराते, अभी भी भजन की इच्छा है। और करताल निकाली अपने कुर्ते में से और बजाने लग गए, भला भया छूटा जंजाल, सुखनो भजना श्री गोपाल। बहुत अच्छा हुआ जंजाल छूट गया, पुत्र बड़ा होता और आसक्तियां होती, फिर उसके बच्चे होते और आसक्तियां होती, ये तो जंजाल छूट गया, कट गया। क्या हम इस पश्यंती, इस अनुपश्यंती, इस तरह देख पा रहे हैं क्या हम अपनी फैमिलीज को, अपनी सोसाइटीज को, आर वी रेडी, क्या हम तैयार हैं? तो फिर वो माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर, कई कई जन्म निकल जाएंगे लेकिन मन में तो वही अटैचमेंट है, वैसे का वैसा ही है, कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये परिवर्तन लाना के लिए प्रयत्नशील जो है वही भक्ति का मार्ग है, खाली सुन लेना, पढ़ लेना, लिख लेना, जप लेना, इससे नहीं, इसको इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। सबसे इंपॉर्टेंट हियरिंग रीडिंग का पार्ट है, प्रयास करो अपने जीवन में अपनाने का। जैसे हमारे सुमित प्रू अपना लिए निर्जला रखते एकादशी, है ना, सुन लिए एक क्लास में, सबसे टॉप एकादशी होती है बिना पानी के, अब महीने को महीने बीत जाते हैं बिना पानी के रह लेते हैं। तो ये इम्प्लीमेंट कर लिए, हम आज तक बोल रहे हैं हजारों बार, खुद ही नहीं कर पाया मैं तो इम्प्लीमेंट, लेकिन ये कर दिए इम्प्लीमेंट। तो इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन में जो ले आते हैं चीजों को, वो एक्चुअली बड़ी भारी कृपा ठाकुर जी की होती है उनके ऊपर, क्योंकि एक दिन जो जिसके लिए आप दुखी हैं वो तो छूट ही जाने वाला है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो धन है, चाहे वो इज्जत है, चाहे वो डिग्री है, ये छूट ही जाने वाली चीज है। तो या तो छोड़कर जाना है या तो फिर किसी को देकर के जाना है, तो इससे अच्छा है कि छोड़कर जाने से अच्छा है किसी को दे जाओ, ये ज्ञान किसी को दे जाओ,
ये परंपरा किसी को दे जाओ, ये प्रॉपर्टियां किसी को दे जाओ, ये सेवा किसी को दे जाओ, दो जितना दे जाओगे उतनी सुख से जाओगे, जितना पकड़ के रखोगे एक दिन छोड़कर दे जाना। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये अनुपशंति है एक्चुअली। अगर हमारे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी नहीं होते, वेद व्यास नहीं होते, तो क्या हम देख पाते इस दृष्टि से? हम तो वही हैप्पी बर्थडे टू यू, लिव लॉन्ग लाइफ टू यू, लिव लॉन्ग लाइफ कितनी हजार साल जिएगा, लिव लॉन्ग लाइफ हजार साल जिएगा, कोई जिया है क्या कोई आज तक? वो लिव लॉन्ग लाइफ करते हैं, बर्थडे वाले दिन ही मृत्यु हो जाती है उस आदमी, बोले अरे पिछले साल तो केक काट रहे थे, आज ही ऐसा हुआ, मैं बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास गया तो पता चला डॉक्टर जो थी अच्छी खासी थी, मैंने बोला कि डॉक्टर नहीं है, तो उसका हस्बैंड बोला नहीं नहीं वो तो चली गई, मैंने कहा ओ अच्छा अच्छा विदेश में उनका बेटा था वहां चली गई, कह रहे नहीं नहीं वहां नहीं गई, मैंने कहा बोला वो ऊपर चली गई, कब? बोला अभी पिछले महीने 13 तारीख को, मैंने कितनी उम्र थी, कह रहा 55 साल, मैंने क्या हो गया, कोरोना हो गया था, डॉक्टर को कोरोना हो गया हमारी गली के अंदर और वो चली गई, मुझे मालूम भी नहीं है। और उसी डॉक्टर ने हमारे छोटे बेटे गौर कृष्ण का जन्म किया था, मतलब उसको इस संसार में लेके आई थी, वो डॉक्टर 5 साल पहले 50 साल की थी, अभी 55 की थी, 55 में गुजर गई। वो अगर वो सोचे कि अरे इससे इतने पैसे बना लूं, सर्जरी में इतना कर लूं, उसने बड़ी मतलब हेल्प की थी हमें डिवोटी समझ करके, दुनिया से वो जितना पैसा लेती थी उससे 1/4 पैसा उसने मुझसे लिया था, है ना? तो ये देखिए ना, उसके जो सत्कर्म है आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, है ना, हमारे जाने के बाद हमारी हमारी क्रियाओं की ही चर्चा होने वाली है और उन्हीं क्रियाओं का फल मिलने वाला है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर ले यथा रूप में जितनी जल्दी, अनुपश्यंति, इसलिए अनुपश्यंति शब्द है, अनुसरण करें, खाली बोलकर गा करके फोटोग्राफ लगा करके हमको शो बॉटल डिवोटी नहीं बनना है। शो बॉटल डिवोटी बोलते हैं ना, शो बॉटल क्या होती है, शोरूम डिवोटी, शोरूम होता है, ऊपर 10 साड़ियां लगा देते हैं साड़ी के शोरूम में, या दवाइयों के शोरूम में दवाइयां लगा देते हैं, और नीचे गोडाउन में जाले लगे होते हैं, ऊपर फॉल्स सीलिंग में फॉल्स लाइट लगी होती है, वो फॉल्स नाम ही है, फॉल्स लाइट, फॉल्स सीलिंग, सब फॉल्स है, नकली है, और गोडाउन जो है वो ओरिजिनल है। ऐसे ही जो हमारे अंदर है ये अंतःकरण, ये गोडाउन है, और जो दिख रहा है ये फॉल्स सीलिंग है। फॉल्स सीलिंग के रिलेशन को छोड़ के गोडाउन की तरफ बढ़िए, इसको जितनी जल्दी साफ कर लिया उतना ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो गोडाउन की क्लीनिंग करनी है हमको, इसीलिए बोला गया इसको नाम बोला गोडाउन का मतलब क्या है, गो डाउन, थोड़ा गो जाइए नीचे की ओर, ये अंदर जाइए नीचे, गो डाउन थोड़ा अंदर जाइए, गो डाउन गो डाउन थोड़ा नीचे तो जाइए, कहां तक ऊपर ऊपर घूमते रहेंगे? इसलिए भक्ति में भी गोडाउन में जाना है, सुपरफिशियल भक्ति नहीं करनी है, ग्रंथों की गहराई में जाएं, गीता की गहराई में जाएं, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, आचार्यों की वाणी से सीखें। इसीलिए हम ये क्लास करते हैं संडे सैटरडे, ताकि हम सब मिलकर के चर्चा कर सकें। ठीक है, आगे पढ़ सकते हैं सुमित प्रू, थोड़ा सॉरी मैंने आपका टाइम लिया, क्षमा करिएगा ज्यादा। इस समय शास्त्रों की अनेक टीकाएं उपलब्ध हैं, किंतु उनमें से अधिकांश श्रील व्यास देव से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है, जिन्होंने पहले पहल वैदिक ज्ञान का संकलन किया। श्रील व्यास देव की अंतिम परम पूर्ण तथा भव्य कृति श्रीमद् भागवत है, जो वेदांत सूत्र का सहज भाष्य है। भगवद गीता भी एक कृति है जिसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया और व्यास देव ने उसको लिपिबद्ध किया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्र है और ऐसी कोई भी टीका जो भगवत गीता या श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के विपरीत है अवैध है। उपनिषदों, वेदांत सूत्र, वेदों, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के मध्य पूर्ण साम्य है और किसी को वेदों के संबंध में तब तक किसी भी निर्णय तक पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक उसे व्यास देव की गुरु शिष्य परंपरा के सदस्यों से आदेश न प्राप्त हो जाए, जो भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों पर विश्वास करते हैं, जैसे कि ईशो श्री ईशो उपनिषद में व्याख्या हुई है। भगवत गीता 18.54 के अनुसार जो पहले से मुक्त पद है, ब्रह्म भूत
पर आसीन है और प्रत्येक जीव को अपना ही भाई मानता है वही उत्तम अधिकारी भक्त बन सकता है। ऐसे दृष्टि राजनीतिज्ञों को नहीं प्राप्त हो सकती जो सदैव किसी न किसी भौतिक लाभ के पीछे पड़े रहते हैं। जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुकरण करता है वह भले ही किसी दूसरे के बाहरी शरीर की सेवा यश या भौतिक लाभ के लिए करे लेकिन वह आत्मा की सेवा नहीं करता। ऐसे अनुकरण करता नकलची को आध्यात्मिक जगत की कोई जानकारी नहीं मिल सकती। उत्तम अधिकारी भौतिक शरीर में ही जीवात्मा का दर्शन करता है और आत्मा के रूप में उसकी सेवा करता है। इस प्रकार भौतिक पक्ष की स्वतः सेवा हो जाती है। तो यहाँ पर 18.54 श्लोक दिया गया, कौन सा श्लोक है? ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, जो आत्मा है वो ब्रह्म भूत अवस्था में आ जाती है, न शोचती न कांक्षती, समा सर्वेशु भूतेषु मद भक्ते लब्धे परा। मेरी भक्ति में आने के बाद में व्यक्ति को यह अवस्था प्राप्त हो जाती है, भगवान बोल रहे हैं। प्रत्येक जीव को अपना ही भाई मानता है, हर एक को ब्रह्म भूत मानता है कि हर आत्मा मेरा भाई है। प्रभुपाद बोलते थे अगर ब्रदरहुड को सुधारना है, ब्रदरहुड मतलब कि भाईचारा, भाई बंधुवाद, ब्रदरहुड को सुधारना है तो पेरेंटहुड को सुधारो, पेरेंटहुड सुधारो। पेरेंटहुड क्या है? बाप अलग अलग होंगे तो बेटों में तो झगड़े होंगे ना। अगर बाप एक हो जाएगा, एक ईश्वरवाद, ओनली वन गॉड कृष्णा, तो अगर एक पिता है, हम सब उसकी संतान है, तो कोई झगड़ा नहीं, फिर झगड़े खत्म है। तो पेरेंटहुड सुधर गया तो ब्रदरहुड भी सुधर जाएगा। तो लोग पेरेंटहुड तो सुधारना नहीं चाह रहे, ऊपर विभाजन किए जा रहे हैं, है ना। इतने इतने विभाजन हो गए हैं ऊपर पेरेंटहुड के, तो ब्रदरहुड में तो लड़ाई होगी होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर बोल रहे हैं जो सदैव किसी ना किसी भौतिक लाभ के पीछे पड़े रहते हैं, जब तक मेटीरियल इच्छाएं हैं व्यक्ति की, वो उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुकरण तो कर सकता है, चीटिंग तो कर सकता है, लेकिन वो बदल नहीं सकता। तो मैं जब भी ऐसी लीची से पढ़ता हूँ तो मुझे अपने ऊपर लगता है कि मैं ना अनुकरण कर रहा हूँ लेकिन मैं अनुसरण नहीं कर पा रहा। मुझे हमेशा फील होता है और मैं सोचता हूँ कि ऐसा कौन सा दिन आएगा जब हम गोस्वामियों के रास्ते का अनुसरण कर पाए। अनुकरण तो कर रहे हैं, मिथ्याचारी हैं, नकलची हैं, चीटर हूं मैं, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। लेकिन वो कौन सा दिन आएगा जब सच में अनुसरण कर पाऊंगा मैं? इस भावना का, इस प्रकार के शास्त्रों का, जिस दिन हम अनुसरण करेंगे आप देखेंगे ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त होगी, शांति प्राप्त होगी आपको, आपको कोई स्ट्रेस नहीं झेल मतलब सता सकता। You will be on a very, very, very beautiful platform, है ना? समस्त सर्वेषु भूतेषु, और सब में आपको सेम भगवान का दर्शन होगा। ये तुकाराम जी का एक प्रसंग याद आता है। तुकाराम जी ने एक जगह पर, तुकाराम एक भक्त हुए महाराष्ट्र के, तो तुकाराम के घर में खाने पीने को कुछ भी नहीं था, माता पिता का दिया हुआ एक मकान था उसमें रहते थे। तो उनकी पत्नी बोली कुछ तो काम किया करो, भजन करते रहते हो। तो किसी ने बोला क्या काम करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं ढूंढता हूँ। तो उन्होंने काम ढूंढा तो एक व्यक्ति ने कहा, उनका सुहृद था, उनका मित्र था, बोला हमारे खेत में कर लो, बैठे बैठे भजन करते रहना, पुतला नहीं लगाएंगे, स्केयर करो, जिसको अंग्रेजी में स्केयर करो कहते हैं, पुतला नहीं लगाएंगे, आप बैठ जाना, आपको हम शाम को खेत में से कुछ दे देंगे, दाना पानी, उससे आपका घर चलता रहेगा। हाँ ये अच्छा है। उन्होंने को पेड़ मिल गया, पेड़ के नीचे बैठ गए, कीर्तन करने लगे, विठ्ठल 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 विठ्ठल, पांडुरंगा 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 पांडुरंगा, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, है ना, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, वो अपना भजन करते रहते थे। इतने में क्या हुआ, बहुत सुंदर कोई पक्षी नहीं आया, और किसान का जो खेत का मालिक था वो बहुत खुश हुआ, बोला वाह तुकाराम जी आप बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। तो शाम को उसने संध्याकालीन, उनको अब आरओआई तो चाहिए ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इतनी देर खेती बाड़ी करी है, उसकी रक्षा करी है। तो शाम को उसने कहा ये गन्ने ले जाइए अपने बच्चों के लिए। बोला हाँ दे दीजिए। तो ऐसे 10-12 गन्ने रस्सी में बांध के दे दिए। अब 10-12 गन्ने लेकर तुकाराम जी चल दिए, घर की ओर आ रहे थे तो पड़ोसियों ने कहा देखो तुकाराम आज कमाई करके आया है, निठल्ला कमाई करके आया है, निठल्ला कमाई करके आया है, उल्टा भी बोल रहे हैं वो सहन कर रहा है, और सबको एक ही चीज बोल रहा है, गोविंदा गोविंदा विठ्ठल 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 पांडुरंगा पांडु, मुंह से निरंतर भगवान का हरिनाम जिह्वा से चल रहा है,
कोई किसी को जवाब नहीं कि मैं अब तो काम कर रहा हूं, कुछ नहीं। और लोगों ने कहा अरे गन्ने कमा के लायो, हमें भी खिलाओ, अरे हमें भी खिलाओ, ये चीटिंग मतलब चिढ़ाने के लिए। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ लो भाई, सबको बांट दिए, एक गन्ना बचा। वो घर जाकर के पत्नी बोली क्या मिला आज खाने में, बोले ये गन्ना। हाँ बच्चे खुश हो गए, एक गन्ना मिला, मिले तो 12 थे, 11 तो बांटा है मोहल्ले में, एक ही पहुंचा घर तक, उसे खाया। पत्नी बड़ी खुश हो गई, बोली अरे हमारे घर तो देखो गन्ने आने लग गए, या बच्चे खाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे। कई कई दिन निकल जाते थे बच्चों को खाना नहीं मिलता था। अब क्या हुआ कि दुश्मन तो होते ही हैं हर जगह, उन्होंने कहा इसकी तो बड़ी प्रसिद्धि हो रही है, लोग इसको भक्त मानने लग गए हैं, बड़ा सहनशील है, अभी पता चल जाएगा कितना सहनशील है, कितना इन्हें भगवान पर भरोसा है। खेत में दूसरे दिन वो गया सेवा करने, गाय छोड़ दी, बैल छोड़ दिए जो कि जंगली थे, उन्होंने पूरी खेती खराब कर दी। शाम को मालिक आया, बोला अरे तुम आंखें बंद किए अपने भजन कर रहे हो, देखो मेरा खेत खराब हो गया, अब इस खेत में जितना नुकसान हुआ है इसका पैसा लूंगा तुमसे। हाँ ठीक है दे दूंगा, कितना पैसा है? कह रहा अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा। कहा ले लो भाई, जिसका था उसका ही, उसको दे दूंगा, क्या चला जाएगा, मेरा तो है नहीं। तुरंत घर गए, बच्ची को बोलते, बच्चों को पत्नी बोलती क्या हुआ, नया घर दिया है मालिक ने। कहा हाँ हाँ नया घर, कहा पेड़ के नीचे, चलो घर छोड़ करके पेड़ के नीचे रहे। पत्नी ने पूछा ये घर किसका है, बोले जिसका था उसने ले लिया, प्रभु का था प्रभु ने ले लिया, कोई अटैचमेंट नहीं, ऐसे रहना चाहिए, अनअटैच्ड, हर स्थिति में अनअटैच्ड। बोले जिसका था उसने ले लिया। उधर भगवान ने कहा यार इतना अच्छा भक्त है, इसके साथ लोग ऐसा कैसे कर रहे हैं? तो फिर जब आप भगवान की सेवा में रहते हैं तो भगवान आपकी चिंता करते हैं। ओ कृष्ण ने कहा अरे अब तो मुझे अपने भक्त की सेवा करनी पड़ेगी। भगवान ने उनके खेतों के अंदर जब कटाई होने लगी तो किसान जो था मालिक, उसने कहा कितनी आएगी, अगर मेरी 1 एकड़ की जमीन है तो इसमें से इतना सारा धान खराब हुआ है, कितना चावल, कितना धान, कितना गेहूं निकलेगा? तो उन्होंने कहा ढेर बनाओ, ढेरी बनाओ, जितनी ढेरी कम हो गई उतना हम इसके ऊपर वो लगा देंगे, लोन लगा देंगे, इंटरेस्ट, और तुकाराम के कपड़े भी बेच देंगे, सब कुछ बिकवा देंगे इसका। अब ढेरी में जब काउंट होना शुरू हुआ, किसान काट काट के लाते और ढेर बनाते, इतनी ढेरी बनी कि वो जो किसान काम करने वाले थे मालिक को जाकर बोले मालिक कुछ चमत्कार हो रहा है, जितनी बोरी भर देते हैं उतनी बोरियां ढेर वहीं का वहीं रहता है, 500 से अधिक बोरियां भर चुकी हैं, जबकि हर साल सिर्फ 100 ही बोरी भरती थी, 500 बोरियां गेहूं की भर चुकी हैं, लेकिन अभी ढेर वैसा का वैसा ही है। बोला अच्छा मैंने संत के साथ दुर्व्यवहार किया, गलती हो गई कह करके सारी 400 बोरियां, बोला 100 तो मेरी बन गई, मैंने अपनी रख ली, मैं मुनाफा उतना ही लूंगा जितना मेरा भगवान ने दिया, 400 तुकाराम की उनको दे दो। 400 बोरियां तुकाराम जी के घर पहुंचाई गई, उनका घर उनको दे दिया गया। अब क्या कर रहे हैं, अभी भी खुश नहीं हो रहे, वाह वाह प्रभु तूने अपरंपार जीवन भर का गेहूं दे दिया, ऐसे नहीं, तुरंत बोर्ड लगा दिया घर के बाहर, कोई भूखा हो तो हमारे घर से गेहूं ले जा सकता है। और कुछ ही सेकंडों के अंदर सारी बोरियां पूरे के पूरे शहर को बांट दी, और एक बोरी पत्नी ले गई थी कि चलो आज कम से कम आटा बनाने के काम, आज तो बच्चे खाना खाएंगे। तो एक भिखारी आया अंत में, बोला बाबा तूने पूरे गांव को दिया मुझको नहीं देगा, पूरे गांव को दिया मुझको नहीं देगा। तो तुरंत ही तुकाराम जी अंदर गए और जो अपने बच्चों का आटा रखा था जो पिस चुका था उस आटे को लाकर बोले क्षमा करिएगा गेहूं तो खत्म हो गया अब आटा बचा है। पत्नी बोली मैंने इतनी मेहनत करके आटा बनाया बच्चों के लिए इसने दे दी। इस प्रकार के जो संत हैं जो अपने लिए कुछ सोच ही नहीं रहे, जो सिर्फ साधु सेवा, दूसरों की कृपा, भगवान का भजन, अनअटैच्ड, हम ये नहीं कहते कि कल आप उठा के अपना एसी बंगला गाड़ी दे दो रोड पर, ये नहीं कहते, लेकिन कम से कम अगर अपने आप से खराब हो जाए तो इतना ज्यादा अटैच मत हो जाओ कि फ्रिज नहीं चल रहा तो माला नहीं हुई, एसी नहीं चल रहा तो नींद नहीं आई, ठंड पड़ गई तो फिर ये नहीं हो रहा। तो हमें ये प्राकृतिक चीजों के बदलाव से, परिस्थितियों के बदलाव से, अपने अपने रिश्तेदारों के परिवर्तित व्यवहार से हमको इतना विचलित नहीं होना चाहिए कि हमारा भजन कच्चा हो जाए, भजन में दृढ़ बने रहे, इतना ही हम सीख लें वो भी बहुत है हमारे लिए। हम अनुकरण तो नहीं कर सकते तुकाराम जी का, लेकिन उनकी शिक्षाओं का अनुसरण कर सकते हैं, है ना।
तो इस प्रकार से ये श्लोक आज हमने पढ़ा और इसमें हमने ये सीखा कि हमें सम वर्तन नहीं करना है, सम दर्शन करना है, हर एक के साथ अलग अलग व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई नया व्यक्ति मंदिर में आया है और अभी वो भक्त नहीं है तो उसको थोड़ा भक्ति दो, पीछे हट जाओ। एक पुराना व्यक्ति है जो भक्त बन चुका है उससे सीखो, जो आपके साथ का भक्त है उसके साथ रहो, रहनी हो उसके साथ में, उठना बैठना पढ़ना लिखना हो, जो आपसे वरिष्ठ है उनको प्रणाम करो, उनसे उनसे टाइम लो, उनसे प्रश्न पूछो, अपनी जिज्ञासाओं को सॉल्व करो। और जो आपसे नीचे है अभी नए ज्वाइन किए हैं उनको गले लगाओ, उनको आगे बढ़ाओ, लेकिन उनके साथ ज्यादा मत रहो। पता चलेगा वो दुर्गा जी का भंडारा का प्रसाद ला के आपको खिलाएगा, बोले कल आपने खिलाया था आज हम खिलाएंगे, तो क्या होगा कि ये गड़बड़ हो जाएगी आपके। इसलिए किससे कितना व्यवहार करना है ये जो सीख लेता है वही सही मायने में उच्च स्तरीय भक्त होता है। हमें डिफरेंस करना सीखना पड़ेगा, घृणा किसी से नहीं करनी है, प्रेम सबसे करना है, लेकिन व्यवहारों में परिवर्तन। जैसे शेर और सांप के साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकते जैसा कि परिवार में बेटे के साथ, बेटे को गले लगा सकते हैं, बेटे को डांट सकते हैं, शेर को डांट सकते हैं, शेर को गले लगा सकते हैं, सांप को गले लगा सकते हैं, लेकिन परमात्मा तो उनमें भी है, आत्मा तो उनमें भी, तो क्या उनको गले नहीं लगाना चाहिए? नहीं, वो जहरीले हैं, उनको दूर रखो, उनको मारो भी नहीं, उनको उनको हिंसा भी मत करो और उनको गले भी मत लगाओ, दूरी मेंटेन करके रखो। तो ये समवर्तन और समदर्शन दोनों में भेद है। तो समदर्शन तो करना है लेकिन समवर्तन नहीं करना है। यही चर्चा यहाँ कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी की बताई। हमें देखना है हमें कौन सा अधिकार प्राप्त है। कनिष्ठ अधिकारी अपने को उत्तम मानता है और उत्तम अधिकारी अपने को कनिष्ठ मानता है। अब हमें देखना है कि हम अपने को क्या मानते हैं। अगर हम अपने को उत्तम मानते हैं कि हमारे से अच्छा कोई भक्त नहीं, प्रभु जी हमारी तरफ भी देखो, हम भी अच्छे भक्त हैं, तो हम कनिष्ठ हैं। और कनिष्ठ का हो, अगर कोई उत्तम होगा तो उसको कहा जाएगा, अरे आप तो बड़े उत्तम है, अरे 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 हम कहां प्रभु, हम तो दास हैं आपके। ये देखना, ये सीखना है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम चर्चा कर सकते हैं। वी हैव मोर 10-20 मिनट्स, 10-15 मिनट और हमारे पास है हम चर्चा प्रश्नों को। वी हैव फ्यू क्वेश्चंस, हम प्रश्न ले लेते हैं। अमित ग्रोवर प्रभु जी, यस अमित प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम जी। प्रभु जी आपने जो उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी इसके बारे में बहुत अच्छा बताया, उसमें चैतन्य चरितामृत में एक जगह पे एक श्लोक आया था, मुझे याद तो नहीं है, बट उसमें ये बोला गया था उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कि मध्यम अधिकारी खाली प्रचार कर सकता है, उत्तम अधिकारी क्योंकि समदर्श सम मतलब सबको समान मान रहा है तो वो वहां से प्रचार नहीं हो पाता। तो जैसे अब शीला प्रभुपाद जी हैं जिन्होंने इतना प्रचार किया, वो तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, तो वो उत्तम अधिकारी के स्तर पे थे तो उन्होंने प्रचार जो किया वो मध्यम अधिकारी के स्तर पे आके किया। तो ये थोड़ा जो थोड़ी लिंक था वो मैं समझ नहीं पा रहा था वहां पे भी, ये आप काइंडली थोड़ा इलैबोरेट कर। हाँ, तो बहुत अच्छा प्रश्न है अमित प्रभु जी का। तो अमित ग्रोवर प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं कि उत्तम अधिकारी तो सबको समान दर्शन करता है, छोटे बड़े का भेद नहीं करता, तो प्रचार कैसे करेगा? वो तो कहता है मौसम पतित प्रभु ना पाई बेहारा, मैं तो सबसे पतित हूँ। अब जो सबसे पतित है वो दूसरे को क्या ट्रेनिंग देगा? वो तो ट्रेनिंग देगा नहीं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, जो मोर नाम ले पाप कर्म होई, जो मेरा नाम ले पुण्य कर्म खोई, जो मेरा नाम लेगा उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे, जो मेरा नाम लेगा उससे पाप हो जाएगा। ऐसी अवस्था का आदमी कैसे दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा देगा, प्रचार कैसे करेगा? तो इसलिए शिला प्रभुपाद उत्तम अधिकारी हैं, लेकिन उत्तम अधिकारी होने के बाद में प्रभुपाद कहते हैं कि हम मध्यम अधिकारी के स्तर पर, उत्तम अधिकारी तो किसी भी स्तर पर उतर सकता है ना। अगर मेरे पास तीन मंजिल का फ्लैट है तो मैं टॉप फ्लैट में रहता हूँ, थर्ड फ्लोर मेरा है, लेकिन मैं मालिक हूँ तो मैं सेकंड पर भी उतर सकता हूँ, फर्स्ट पर भी उतर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट पर रहता है और उसके पास दो फ्लोर है ही नहीं तो वो चढ़ नहीं सकता है ऊपर। सेकंड और थर्ड वो कहाँ से बनाएगा? बोले हमारे पास पैसा नहीं है, कैसे दो मंजिल बने, तो वो कैसे थर्ड फ्लोर पर जाएगा? लेकिन जो थर्ड फ्लोर बना चुका है, जिसके ऑलरेडी तीन फ्लोर बने, उसके लिए तो थर्ड भी है, सेकंड भी है, फर्स्ट भी है। तो शिला प्रभुपाद जो उत्तम अधिकारी है उनके पास ये बहुत ही सरल है कि वो ही कैन कम अप टू द लेवल ऑफ अ मध्यम अधिकारी, लेकिन फिर भी वो उत्तम अधिकारी कहलाएंगे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रीचिंग ही केम ऑन टू द लेवल ऑफ अ मध्यम अधिकारी। खाली प्रचार के भाव से वो मध्यम अधिकारी के स्तर पर आते हैं, पर वो उत्तम अधिकारी हैं। क्यों? वो जब विदेश गए
और उन्होंने अंग्रेजों को देखा कि बड़े लिप्त हैं ड्रग्स में, अल्कोहल में, इलिसिट सेक्स में, और इनके पास कोई गुण नहीं है, लेकिन फिर भी अनेकों अवगुण होते हुए भी उत्तम अधिकारी को गुण दिखता है। तो अगर उस व्यक्ति में, जैसे भगवान कृष्ण में 64 गुण है, तो हर व्यक्ति में एक ना एक गुण तो होगा, क्योंकि उसने सृष्टि में प्रकट हुआ है। और आत्मा और परमात्मा की क्वालिटीज आर सेम बट क्वांटिटीज आर डिफरेंट, मतलब क्वांटिटी में परमात्मा विभू है और हम अणु है, पर समानता है क्वालिटी में, सच्चित आनंद है। तो अगर भगवान में 64 गुण है, तो एक आत्मा में कोई ना कोई एक गुण तो होगा, बिना गुण के अवगुण तो आत्मा हो नहीं सकती, निर्गुण तो हो नहीं सकती, गुण तो है उसमें। तो कौन सा वो गुण है, ये जो ढूंढ लेता है वही उत्तम अधिकारी है। श्रील प्रभुपाद जी ने जब देखा उन विदेशियों को कि इनमें तो बहुत अवगुण है, लेकिन एक गुण था, क्या गुण था, कि ये लोग अपने परिवारों से अटैच नहीं है। अगर मैं इनको वैराग्य शिक्षा देता हूँ, चैतन्य महाप्रभु भक्तेर प्रधान क्या वैराग्य गुण, वैराग्य का गुण प्रधान है उनके, चैतन्य महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रधान, चैतन्य महाप्रभु के भक्त गणों में वैराग्य प्रधान है। महाप्रभु का इस गुण को प्रभुपाद जी ने दे दिया उन लोगों को, वैरागी बनो, वैरागी बनो, वैरागी बनो। वो पहले ही वैरागी थे, घर बार जाते ही नहीं थे, तुरंत अपने माता पिता परिवारों को छोड़कर सन्यासी बन गए, तुरंत तुरंत सन्यास हो गया, ब्रह्मचारी बन गए। तो प्रभुपाद जी ने गुण देखा, अवगुण नहीं देखा, हजारों अवगुण है। ऐसे ही सुखदेव मुनि ने, परीक्षित ने सुखदेव मुनि से पूछा, आप बता रहे हैं कलयुग में लोगों की बुद्धि कम होगी, कलयुग में लोगों की स्मृति भ्रम हो जाएगा, कलयुग में लोगों के उपद्रव होंगे, मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्यो मंद भागी होंगे, हमेशा दुर्भागी होंगे, हमेशा कहते रहेंगे अरे भाग्य साथ नहीं दे रहा, भाग्य साथ नहीं दे रहा, मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्यो उपाद्रत, और लड़ाइयां होंगी घरों में। तो ऐसी सिचुएशन में कलयुग में इतने अवगुण है, क्या कोई गुण नहीं है? लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हाँ कलयुग में अनेकों अनेकों अवगुण हैं, पर एक गुण तो है। तो सुखदेव गोस्वामी भी उत्तम अधिकारी हैं, इसलिए वो गुण दर्शन कर रहे हैं। कौन सा गुण है? उन्होंने कहा, कले दोषे निधे राजन, हे राजन कलयुग में अनेकों अनेकों दोष हैं, अस्ति एको महान गुणा, लेकिन एक गुण तो है, क्या? कीर्तन या देव कृष्णस्य, जो कृष्ण का कीर्तन करते हैं, मुक्त संगम परम व्रजेत, उनको मुक्ति तुरंत मिलती है और इस भक्ति के मार्ग में विजयता प्राप्त हो जाती है। ये गुण किसने बताया? सुखदेव ने परीक्षित महाराज जी को बताया। तो ये उत्तम अधिकारी का लक्षण है कि वो गुण दर्शन करता है। तो प्रचार के लिए कभी कभी जब प्रचार करते हैं तो कैसे प्रचार करेंगे, कि हमारी तरह प्रचार नहीं करते, दीनहीन मानकर प्रचार नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी की अगर लेटर पढ़ें तो प्रभुपाद जी ने लेटर में आप देखिए, प्रभुपाद लिख रहे हैं, I am your servant, I am your insignificant servant, I am your ever well wisher, प्रभुपाद सिग्नेचर करते हैं अपने लेटर्स के एंड में। सो और प्रभुपाद ने हमेशा बोला कि आप लोग तो मेरे माता पिता के समान हैं, मैं तो एक बालक के जैसा हूं। ऐसे कई बार प्रभुपाद ने सिखाया भी और अपने को दीनहीन भी माना। तो ये उत्तम अधिकारी का गुण है, वो मध्यम अधिकारी के स्तर पर आता है लेकिन बिना टच के ऊपर चला जाता है वापस। प्रचार करने के लिए खाली मध्यम अधिकारी पे आएगा, लेकिन उसकी रहनी, उसकी कथनी, उसकी करनी, वो उत्तम अधिकारी के स्तर की होती है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड that difference between उत्तम अधिकारी प्रीचर एंड मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी प्रीचर जनरली देखता है, फर्क देखता है, भेद देखता है, लेकिन उत्तम अधिकारी, और सबसे बड़ा भेद जो है, मध्यम अधिकारी के अंदर कभी कभी envyousness जागृत हो जाती है, वो द्वेष करने लगता है, लेकिन उत्तम अधिकारी प्रचार करता है लेकिन द्वेष कभी नहीं करता किसी से। लेकिन मध्यम अधिकारी के अंदर कभी कभी द्वेष दृष्टि हो जाती है। जो नास्तिकवादी है, जो मुस्लिम्स हैं, वो अपना जब सनातन धर्म का प्रचार करेगा, कहेगा ये पापी हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, बोल गुस्सा आ जाएगा, उसको एनवियस हो जाएगा। लेकिन जो उत्तम अधिकारी है वो कभी एनवियस नहीं होता, वो आत्मा के स्तर पर सबको देख रहा होता है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा, वी आर नॉट बॉडी, वी आर नॉट अमेरिकन, वी आर नॉट ऑस्ट्रेलियन, वी आर नॉट इंडियन, वी आर नॉट बंगाली, वी आर नॉट दिस एंड वी आर एटर्नल सोल। सो ये जो है उत्तम अधिकारी का लक्षण है। This is how we can understand Prabhuji. Amit Prabhu, you can unmute again. Hare Krishna Prabhuji. बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण, थैंक यू अमित प्रभु। और कोई प्रश्न किसी का, प्लीज, मैंने गलती से लोअर हैंड्स कर दिए। अंशुला माता जी, ओके, या अंशुला द्विवेदी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम।
प्रणाम जी माता जी। जी प्रभु जी, दो क्वेश्चन थे मेरे थोड़े, कि जैसे आपने बताया कि जैसे कोई है जिसकी सबकी चेतना अलग अलग होती है, सबकी आत्मा की कोई सेम आत्मा नहीं होती, सबकी अलग अलग चेतना होती है, तो किसी की अभक्त की चेतना है तो वो क्या हमेशा फिर जन्म पर उसका हर जन्म में फिर वो अभक्ति रहेगा? और जैसे आपने बताया कि भिखारी जो है उसको हमने प्रसाद खिलाया कुछ किया, तो उसकी कोई सुकीर्ति होगी जिससे उसको प्रसाद मिला, और मान लीजिए कोई प्रीचिंग करी जिसको कोई भिखारी को तो वो बन गया भक्त मान लीजिए, या कोई बाई चांस कोई भक्त बन गया, तो उसकी कोई सुकीर्ति होगी कि बाई चांस हुआ ये चीज? तो इसमें दोनों फैक्टर काम करते हैं, सुकृति भी होती है और वैष्णव की कृपा भी होती है, क्योंकि वैष्णव कंपैशनेट है ना। वैष्णवों को बताया गया है जहां पर भगवान भी नहीं जाते वहां पर वैष्णव चले जाते हैं। जगाई मधाई इतने पापी थे, चेतन महाप्रभु नहीं जा रहे थे प्रचार करने, लेकिन उनको प्रचार करने नित्यानंद प्रभु गए, हरिदास ठाकुर गए। भक्त जो है ना, भगवान आपकी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन वैष्णव थोड़ी सी एडिशनल एडवांटेज लेते हैं और जहां भगवान ने फ्री विल दी हुई है उस व्यक्ति को, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। आपकी फ्री विल, आप मंदिर नहीं आना चाहते, फोन करते रहेंगे, आप मंदिर आ रहे गौतम प्रभु, गौतम प्रभु मंदिर आएंगे आज, गौतम प्रभु क्या हुआ, नींद आ रही है क्या गौतम प्रभु, है ना। वो इंटरफेयर करेंगे आपकी फ्री विल के अंदर, इंटरफेयर करेंगे और आपको खींचेंगे अपने प्रेम के बंधन में प्रसाद खिला करके। लेकिन कृष्ण कभी ऐसा नहीं करते। हजारों हजारों सनातन धर्म के मंदिर है, कभी भी कभी भगवान की मूर्ति ने ये नहीं कहा कि तुम ऐसे दंडवत करो वैसे दंडवत करो। सो इसीलिए भगवान कहते हैं मद भक्तानाम पूजिकाम अधिकाम। भगवान ने बोला मेरे भक्तों की पूजा मुझसे अधिक होनी चाहिए, क्यों? मैं तो बोलता हूँ सर्व धर्मान परित्याजम मामेकम शरणम व्रज, अगर तुम सारे धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूंगा। लेकिन भक्त क्या करते हैं, भक्त कहते हैं तू शरणागत हो ना हो, हम घुस जाएंगे तेरे घर में, तुझे प्रसाद खिलाएंगे, कीर्तन करेंगे, मंदिर बुलाएंगे, तेरे फ्री विल के अंदर एंटर करेंगे। तो ये भगवान ने शक्ति दी है, तो ये एक्चुअली मर्सी होती है डिवोटीज की। और कुछ सुकृति भी होती है जिन्हें अज्ञात सुकृतियां कहते हैं, कि वो भिखारी बना अपने पाप कर्मों के कारण, लेकिन अनजाने में हरिद्वार गया था ड्राइवर बन के, और भक्तों की टीम जा रही थी, वो ड्राइवर था, और ड्राइवर हरिद्वार गया गंगा स्नान नहीं किया, ठंड बहुत है, चाय पीता रहा बैठा हुआ, लेकिन हरिद्वार तो गया था, भूमि में प्रवेश तो किया, मुंह से तो निकला हरिद्वार चल रहे हैं साहब। अब अगला जन्म हुआ, मांस खाता था वहीं पर जाके, और मीट खाता था, चाय पीता था, सोता था, गंगा स्नान नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, लेकिन अगला जन्म हुआ तो भिखारी तो बना, लेकिन क्योंकि हरिद्वार वृंदावन की भूमि पर गया था, वो तीर्थ स्थान यात्रा करी, उसकी सूक्ष्म सुकृतियां होती हैं कि जीवन में
हरे कृष्णा। तो या मनोज सक्सेना प्रभु पूछ सकते हैं, क्षमा करेगा बीच में फोन बंद हो गया था, बैटरी चली गई थी फोन की। मनोज सक्सेना प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा जी। मनोज जी कैसे हैं? बस प्रभु जी, मैं ये जानना चाहता था कि जैसे जितने भी प्रवचन होते हैं, जितने भी हम सुनते हैं, हम उसको मानते कितना है? जैसे अब आपने बताया कि सबने जाना है, ये तो सभी को पता था, जितने भी हम लोग सुन रहे हैं सभी जान। हेलो, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। जी 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 प्रभु जी। जी जी सुन रहा हूँ। जानते हुए भी अनजान रहते हैं हम, जानते हुए भी अनजान रहते हैं कि सभी को पता था कि मरना तो है, लेकिन वो अपना पुत्र प्रेम, प्रेमिका प्रेम, माता पिता प्रेम, सब व्यवहारिक सा रहता ही है, लाइफ में रहता है। और ये इतना छूटना आसान नहीं है, इतना आसान तो है नहीं जितना मतलब आपने कह भी दिया और हम मान भी लें, लेकिन मान प्रैक्टिकली नहीं मान पाते। प्रैक्टिकली ये सही है कि जीते जीते है ना वो लालच, वो माया, ये सब जुड़ी रहती है इंसान में। जैसे आपने एक बार कहा भी था कि मरने के इस समय तक जो हमारी माया हमसे लिपटी रहती है, वो मोह छूटना तो आसान नहीं है। तो इस पे मैंने एक बार आपने बताया था और एक बार किसी प्रभु जी ने बताया था कि हमें महीने में एक बार शमशान घाट जाना चाहिए, अपनी वास्तविक जिंदगी का हमारा अंतिम सफर, जहाँ हमारा अंतिम सफर होना है वो निश्चित है, होना ही है, रोज नहीं, 10 साल 10 साल नहीं, 20 साल बाद, 50 साल बाद। तो थोड़ा सा मोह माया से हम हटेंगे। अभी हम मोह माया के जब एक्सट्रीम पर जाते हैं तब हम अपराध करते हैं। अपराध मीन्स जैसे लालच करा, अरे तेरा इसका खा जाऊं, उसका मार दूं, उसका हड़प लूं, उसका छीन लूं, उसको ये कर दूं, क्योंकि वो एक्सट्रीम लालच बढ़ता है। सिंपल इंसान रहे तो सब, पुलिस की जरूरत ही नहीं है, मिलिट्री जरूरत ही नहीं है। हम अपने सीमाओं को लांघते हैं, अपने लालच को बढ़ाते हैं, अपनी चादर से पैर पसारते हैं, तो हम क्राइम करते हैं, तो हम दोष करते हैं, वही हमें दुख का कारण बनता है। सिंपल चीजें जीते रहो, ठीक है, जो प्रभु दे रहे हैं, जो प्रभु करा रहे हैं, ठीक है, सिंपली चल रहा है। तो प्रभु जी, हम आपके बताने के बावजूद भी मान नहीं, ये सही बात है, मान नहीं पाते, इसका क्या कारण है? कारण तो वही है, जैसे कि बोलते हैं जब कोई सांप काट लेता है जी, तो सांप काटते हैं ना कभी किसी व्यक्ति को, तो गांव में सांप का जहर उतारा जाता है। तो जब सांप का जहर उतारा जाता है तो उसको नीम की पत्तियां खिलाई जाती है चेक करने के लिए कि सांप का जहर उतरा कि नहीं उतरा। जब वो अगर नीम की पत्ती खाकर जिसको सांप ने काटा है अगर वो ये बोले मीठी है, इसका मतलब जहर फैल रहा है। जब वो नीम का ओरिजिनल टेस्ट बताने लगे कि नीम कड़वा है, तब जाकर के मतलब होता है कि अब जहर उतर गया है। तब तक जो सांप उतारने वाला व्यक्ति है वो अपने झाड़ा, अपने मतलब अलग अलग प्रयास करता रहेगा, एफर्ट्स करता रहेगा। तो वैसे ही हमारा जीवन है, हमें जो है चेक करते रहना चाहिए कि कितना कम हुआ है, प्रयास करते रहना चाहिए। और इसका सबसे सरल उदाहरण है इस जहर को उतारने का, जो विषय सर्प का चढ़ा हुआ जहर है, काम क्रोध लोभ लालच का जो आप कह रहे हैं, ये जो जहर है ये चढ़ा हुआ है हमारे ऊपर। सांप हमें काट चुका है विषय वासनाओं का, भोग का। उतरेगा कैसे? तो उतरेगा भगवान का नाम भजन और कथा श्रवण, दो ही रास्ते हैं, भगवान की कथा श्रवण और भगवान का भजन, ये दोनों करते रहो और साथ में चेक करते रहो। चेक करना क्या है? जब आपको हरि नाम भजन में और हरि कथा श्रवण में रुचि उत्पन्न होने लग जाए, एक होता है नियम, एक होती है रुचि। रुचि उत्पन्न होने लग जाएगी, अगर किसी व्यक्ति को भागवत कथाओं के प्रति, रामायण कथाओं के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई कि रोज जैसे भूख लगती है, पेट को रोटी चाहिए, ऐसी आत्मा को भूख लगती है कि आज तो मेरा भजन नहीं हुआ, आज तो मेरा श्रवण नहीं हुआ, जब ये अंदर से भूख लगती है और व्यक्ति उसके लिए ललायत हो जाता है, तब समझना चाहिए कि अब वो नीम था वो कड़वा लगने लगा, अब मीठा लगना बंद हो गया। जब तक नीम मीठा लगता रहेगा, यानी भौतिक संसार मीठा लगता रहेगा, जब तक जहर चढ़ा रहेगा। जब भौतिक संसार कड़वा लगने लगेगा, समझो कि अब मेरे पे जहर उतर रहा है। और इसका तरीका एक ही है, मंत्र एक ही है, हरि नाम जपते रहो और कथा श्रवण करते रहो। जितना ज्यादा अधिक कथाओं का हमारा प्रेम बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी, जिज्ञासाएं बढ़ेंगी, जितना ज्यादा हम डेप्थ में जाएंगे,
फिलॉसफी के आगे कथाओं में भी जाना है, शुक्राचार्य ने ऐसे क्यों किया, तुष्टा का वध ऐसे क्यों हुआ, क्यों महाराज परीक्षित ने इस प्रकार के प्रश्न पूछे, ऐसे जो लीलाओं में प्रवेश करते हैं भगवान की। एक होती है फिलॉसफी, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ अच्छा क्यों हो रहा है, ये क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, प्रभु जी मर जाना है, ये धरातल की फिलॉसफी है। इसके नीचे जाएंगे गहराई में, गो डाउन, जो आज हमने बताया गो डाउन, नीचे की ओर जाएंगे, तब हमें प्रश्न पूछने चाहिए भगवान ने ऐसी लीला करी तो करी क्यों। और फिर उन लीलाओं का आचार्यों की वाणी के द्वारा जब टिप्पणियां पढ़ते हैं, कमेंट्रीज पढ़ते हैं, तब वो जिज्ञासाएं सॉल्व होती हैं और वो असीम आनंद प्रदान करती हैं। फिर ये जगत जो है वो कड़वा लगता है। गारंटी है इस बात की, अगर कोई नित्यम भागवत श्रवण करेगा नित्यम, उसको ये संसार मीठा लग ही नहीं सकता, उसको कड़वा लगने लग जाएगा संसार। अरे अरे बोलते हैं ना, जब तक नाता जगत से हरि भक्ति नाय होए, जब तक नाता जगत से होगा हरि भक्ति नाय, जब तक नाता जगत से हरि भक्ति ना होए, नाता तोड़े हरि भजे हरि भक्त सोई होए। जो नाता तोड़कर हरि का भजन करेगा वो हरि भक्त हो जाएगा। तो ये कथा श्रवण और हरि नाम से ही आती है शक्ति, और कोई तरीका नहीं। ओनो अदर, नो अदर। आज ही बताया ना, एक ही गुण है कलयुग में, कृष्ण का कीर्तन करने मात्र से मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए कृष्ण कीर्तन आप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, हो जाएगा, निरंतर करते रहिए, है ना, प्रयास जारी रखिए। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। लक्ष्मी माता जी जयपुर से, हमारी लक्ष्मी महेश्वरी माता जी, आप पूछ सकती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम जी लक्ष्मी माता जी। प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी कि जो इस जन्म में जिसने बहुत पाप किए हैं और बाय चांस वो भक्ति के अंदर आ गया, तो फिर वो तो अपने आप को हमेशा लोअर ही समझता रहेगा ना। फिर वो मतलब आप जो बता रहे थे जो और ऊपर के दो लेवल है, वो तो उस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। एक होता है समझना और एक होता है दूसरों के द्वारा देखना। वो समझेगा, प्रभुपाद अपने को बोलेंगे कि मैं तो सबसे पतित हूँ, लेकिन क्या हम उनको पतित मानेंगे, क्या उनको विश्व पतित मानेगा। तो कहते हैं फलेन परिचित, रिजल्ट सेज। आपका बच्चा बहुत बोले मैंने बहुत मेहनत करी है मम्मा, मैंने बहुत मेहनत करी है, बोले बेटा रिजल्ट बताएगा। रिजल्ट में आया उसके 25% मार्क्स, तो बोलेंगे बेटा यही मेहनत करी थी तुमने, लेकिन उसके आए 99% मार्क्स आए। और आप उसे बोले बेटा तूने तो बड़ी मेहनत करी, तो बोले नहीं नहीं मम्मा मैं तो बस आपका आशीर्वाद है ना इसलिए आ गए, वरना तो मैं तो इतनी मेहनत नहीं किया हूं। ये विनम्रता है, ये लेवल है। भक्त सोचता है मैं सबसे नीचे हूँ, लेकिन दुनिया सोचती है वो बहुत ऊंचा है। जो बोलता है मैं सबसे ऊंचा हूँ, दुनिया कहती है सबसे नीचा है। तो ये अपोजिट चलता है हमेशा। जी थैंक यू प्रभु जी। हाँ गीता, गीता भोला माता जी, गीता भोला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कैसी कैसी हैं गीता माता जी? अच्छी हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमें ये पूछना था कि जैसे हम तामसिक चीजों से दूर भी हो गया एक एक जो है एक इंसान तामसिक जैसे चीजें लहसुन प्याज कॉफी ये सब चीजें छोड़ने से हमारे अंदर वो चीजें नहीं जा रही, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा जितना भी कर रहे हैं भगवान की भक्ति की तरफ भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी जारी रख रहे हैं, उसके बाद भी हमारा मन क्यों भटकता है, क्यों भगवान की तरफ नहीं जाता, ऐसा लगता है? माता जी होता इसका कारण ये है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कभी कभी झूले के ऊपर बच्चे झूले झूलते हैं ना, सर्कल वाले झूले होते हैं, तो वो उसमें अभी बसंत पंचमी पर बहुत मेले लगते हैं इंडिया में ना, जगह जगह पर झूले होते हैं, वो चक्कर खाते हैं बच्चे, फिरकी बोलते हैं, फिरकी करना जी, तो वो जो फिरकी करते हैं गोल 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 घूमते हैं, उसमें से उतर जाओ, उतरने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे गोल गोल घूम रहा है। हाँ जी, ऐसे ही हमने कई कई जन्मों में अनादिकाल मतलब कई करोड़ों जन्म बीत गए हैं, हमने भगवान का स्मरण भजन नहीं किया है। अब जाकर के गुरु परंपरा की कृपा से, कृष्ण कृपा से हमको ये भजन का प्रोसेस मिला है, तो आज शुरू किया तो कल थोड़ी मन लगने लग जाएगा। अभी तो हम उस फिरकी से नीचे उतरे हैं ना, जन्म मृत्यु के 84 लाख योनि के चक्कर की फिरकी में, तो उस फिरकी से उतरे हैं, इसलिए हमको सब कुछ घूम ही रहा है, अभी गोल गोल घूम रहा है, अभी स्टेबल होगा फिर टेस्ट आएगा, तो इसमें टाइम लगेगा। तो इसीलिए बोला धैर्य रखना चाहिए भक्ति में, धैर्य रखेंगे तो फिर धीरे धीरे सब कुछ उत्पन्न होगा। जैसे नए जोड़े की शादी हो और सास बोले कि नेक्स्ट मॉर्निंग में, कल ही रात को शादी होकर बहू आई विदा होकर, अगले सुबह सास बोले बेटा बच्चा नहीं है, कोई पोता नहीं दोगी? अरे बोले माँ कैसी बातें कर रही है,
कम से कम एक वर्ष तो इंतजार करना पड़ेगा आपको, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। आदमी कहता है अरे अब तो धैर्य नहीं रखा जा रहा, अधीर हो रहा है, पुत्र होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए, तो ऐसे नहीं होता है। उसके लिए एक समय लगता है, किसी का एक वर्ष में होता, कईयों के 10-10 साल तक बच्चे नहीं होते, धैर्य बनाए रखते हैं, बोले अब होगा अब होगा। ऐसे ही भक्ति रूपी जो पुत्र पुत्री संतान है, ये प्रोसेस में लग गए हैं, एक ना एक दिन उत्पन्न होगी। कब होगी ये ठाकुर जी के हाथ में, ईश्वर जानता है कि कब हमारे अनर्थ कटेंगे, कब हमारा होगा, हमें उस पर भरोसा रख के इस प्रोसेस में लगे रहना चाहिए। बस बस बीन द प्रोसेस, प्रभुपाद बोलते हैं आप चलते रहिए, और ठाकुर जी हो सकता है कल सुबह ही दे दें, हो सकता है कि अगले जन्म में जाकर दें, हो सकता है उसके अगले, आप रास्ते पे तो चल रहे हैं ना, सदमार्ग में तो लग गए आप कम से कम। जी मीन्स हमें उम्मीद और भगवान पे विश्वास ही कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी हमारी होगी, मतलब ध्यान लगेगा। यस ऑब्वियसली, हजारों लाखों ने पाया है, हम भी पाएंगे। जी जी जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जी पुनीता माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि पढ़ाई के साथ भक्ति, अभी हमारा भक्ति मार्ग में मतलब पहला अभी शुरुआत ही है, हम अभी बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं पर कर नहीं पा रहे, लेकिन भक्ति के साथ साथ पढ़ाई में मन कैसे लगे? पढ़ाई में तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता, पर आप लोगों के गाइडेंस से थोड़ा थोड़ा भक्ति सीख रहे हैं, अभी भक्ति में भी अभी रुचि है नहीं पर सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर उसी के साथ साथ पढ़ाई भी, क्योंकि आप लोग हमेशा कहते हैं कि सिचुएशन से भागने के लिए भक्ति नहीं करना है, पढ़ाई में भी आगे बढ़ना है और भक्ति में भी, तो पढ़ाई के लिए क्या करें, कैसे मन कैसे लगाएं दोनों में ही? देखिए इसके लिए एक तरीका होता है, एक शेड्यूल बनाइए, एक बोर्ड रखिए व्हाइट कलर का अपने कमरे में जहां भी आ रहते हैं, या चार्ट पेपर रखिए, उसमें ब्लैक कलर का मार्कर लेकर के उसमें अपनी नियमावली लिखिए कि कितना समय आपको भगवान ने दिया, 24 घंटे, उसमें से पहले वो निकाल दीजिए जो बेसिक नेसेसिटी है, 6 घंटे सोना, 1 घंटे स्नान वगैरह आदि कार्यक्रम, 1 घंटे भोजन का, उसके बाद स्कूल या कॉलेज जो भी आप पढ़ती हैं उस पढ़ाई का, तो वो समय निकालने के बाद जो समय बचता है उस, जैसे मान लीजिए आपके पास 8 घंटे बच गए, अब उस 8 घंटे में आपको पढ़ना भी है, उस 8 घंटे में आपको भक्ति भी करनी है, तो उस 8 घंटे में उसको डिवाइड करिए, ऐसे मतलब सोचेंगे कि हम भक्ति करेंगे पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, जब तक पेन डाउन नहीं करते, लिखते नहीं है, क्योंकि हम कलयुग के जीव है ना, श्रुति धार नहीं है कि हमें सब स्मरण रहे, सब याद रहे, भूल जाते हैं, तो इसलिए हमको पेन डाउन करके रखना चाहिए कि 6 बजे सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक मेरे पास टाइम है 8 घंटे का, इस 8 घंटे में मुझे अपना भजन भी करना है, उस 8 घंटे में मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है, तो पढ़ाई करने से पहले 1 घंटा चैंटिंग कर लिया, 1 घंटा गीता पढ़ लिया, 12 बज गए, अब 12 बजे से 6 बजे तक अपनी पढ़ाई का हमको डिवीजन करना है, उसमें एक सब्जेक्ट 12 से 6 में पढ़ना है, दूसरा सब्जेक्ट दूसरे दिन, तीसरा सब्जेक्ट तीसरे दिन, चौथा सब्जेक्ट, ऐसे करके जब आप लिखेंगे, अब आपका शेड्यूल पर्सनली आपको हैंडल करना पड़ेगा, जब तक आप वो प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर वो कभी हो नहीं पाएगी, वेगली नहीं कर सकते किसी भी चीज को ऐसे ही हवा में, कि है ना सुबह उठे माला लेके बैठ गए, पूरा दिन निकल गया माला ही करते रह गए, ना पढ़ पाए ना कुछ कर पाए, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है, और लिखने के बाद उसको प्रयास करेंगे तो कई बार फेल होगा कि अभी नहीं हो पाया, हाय हाय, लेकिन वो जो चिंता आपको खींच खींच के शेड्यूल की ओर लेके आएगी कि आज नहीं हुआ तो कल शायद टाइम पे होगा, कल नहीं हुआ तो परसों होगा, अगर नहीं हो पाया 10-15 दिन तो फिर रीशेड्यूल करिए, दोबारा बनाइए कि अब कैसे मैं करूं इसको, एंड फिर आप कर पाएंगे। जी धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम, हरे कृष्णा। ठीक है, तो लगभग सभी भक्तों के प्रश्न पूर्ण हो गए हैं, तो और किसी भक्त का आज के ईशोपनिषद से प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा मैं समाप्त करूंगा, कोई क्वेश्चन अगर किसी का ईशोपनिषद को लेकर के है, नहीं है, ठीक है, तो हम यही समाप्त करते हैं, सभी भक्तों का धन्यवाद, सभी भक्त अपना अपना अनम्यूट करके एक बार भगवान के नाम उच्चारण करेंगे, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, सब अपना अपना अनम्यूट कर लीजिए, सब लोग इकट्ठा बोलेंगे, एकत्रित संभाव रखते हुए, संभाव रखते हुए सब एकत्रित होकर के इकट्ठा हरि नाम लेंगे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे प्रभुपाद की जय श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय समस्त कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय आचार्य जय पुत्रदा एकादशी महामहोत्सव की जय नानु कुल प्रभु जी की जय हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल।